में हम लें, जहां से हम इनको मदद कर पाए, हम दो आदमी को अगर मतलब अपने आप में सुधार पाए, और आज की इस सभा के बाद अगर एक सिंह आदमी इनसे इंस्पिरेशन ले पाया, तो हम ये मानते हैं कि एम्परर टावर में हमने जो आपको न्योता दिया था वो हमारा न्योता सफल हुआ। और राजीव दीक्षित जैसे जिनके लिए मैं कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से, हो गई है पीर पर्वत से, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही वो कहीं भी आग, लेकिन आजादी की ये आग चलनी चाहिए, आजादी की आग चलनी चाहिए। मैं राजीव जी से विनती करता हूं कि वो आए, और हमने उनके लिए जो विषय चुना है वो है ग्लोबलाइजेशन में आज हमारा भारत और आने वाला भारत का कल कैसा होगा, उस पर ये बोलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब भाव गुजारिश चाहूंगा आपसे, मैं स्वामी विवेकानंद गुरुकुल के चेयरमैन श्री महेश भाई पंड्या जी को विनती करता हूं कि वो आए, और आज का मौका एकदम आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप आए और आप इनका स्वागत करें। में से कई लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उस समय आपको अटपटी लगी होंगी, लेकिन आज वो देश के सामने सच्चाई के रूप में है। उदाहरण के लिए मैंने वापी जी जनसभा में 10 साल पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और आज आपकी आंखों के सामने है। जिस समय मैंने ये बात कही थी 1998 का साल था, मनमोहन सिंह के बारे में बस इतना था कि वो वित्त मंत्री पद से नीचे आ चुके थे और नरसिम्हा राव की सरकार जा चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार काम करना शुरू कर रही थी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहकर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने जिस आधार पर यह कहा था वो एक दस्तावेज था जो मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़ा है। भारत सरकार को विश्व बैंक का एक पत्र आया था, वो पत्र में यही लिखा गया था कि भारत देश में वर्ल्ड बैंक की नीतियों को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनमोहन सिंह जैसे हों, जो वर्ल्ड बैंक के हर आदेश का भारत में कानून बनाकर क्रियान्वयन कर सके, तो इसके लिए उनको वित्त मंत्री बनाया गया था और बाद में उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको मालूम है श्रीमती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी के लिए रास्ता छोड़ा था, और वो सब कहानी आप जानते हैं। एक बार दूसरी बात मैंने इसी वापी की सभा में कही थी कि पेप्सी कोला और कोका कोला जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। आज सारा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है, क्योंकि भारत की 8 प्रयोगशालाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। और जो 1998 में मैं बोलकर गया था वो भारत की संसद में बोला गया कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो संसद की कैंटीन ने पेप्सी कोक को बैन किया राज्यसभा लोकसभा में, और भारत के कई मुख्यमंत्रियों ने कॉलेजेस की कैंटीन में बैन किया है, और अब हवाई जहाजों में भी मिलना कम हो रहा है, राजधानी एक्सप्रेस भी बंद हुआ है। 1998 में पेप्सी कोक की एक साल की बिक्री थी 700 करोड़ बोतल, आज पेप्सी कोक की एक साल की बिक्री 50 करोड़ बोतल भी नहीं है। मुरारी बापू भी ये कह देते हैं, शंकराचार्य जी यही कहते हैं गंदा बचपन मतलब टॉयलेट पी में, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक मुहावरा चला और वो पूरे देश की जुबान पर छा गया। आप तो बच्चे बच्चे कहते हैं गंदा मतलब टॉयलेट पी में। और कुछ बातें मैं कह गया था, अब उनको रिपीट ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आज आपको ऐसी एक नई बात कहने आया हूँ जो अगले 3 साल बाद आपको होती हुई दिखाई देगी। आज मैं कह रहा हूँ, 3 साल बाद आप उसे होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 10 साल पहले कहा था वो पिछले 10 साल में होता हुआ आपने देखा। मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाने के लिए लाया, ये जो लैपटॉप है और LCD प्रोजेक्टर है, सामने जो स्क्रीन है इस पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं अमेरिका के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुना, ये व्याख्यान शिकागो में हुआ था 11 सितंबर 1893 को, आज से 108 साल पहले।
108 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और वहाँ की धर्म संसद में जो कुछ उन्होंने बोल दिया वो अमेरिका के लिए एक तरह से धमाके जैसा था। ऐसा लगता था कि स्वामी जी ने कोई बम फोड़ दिया वहां, क्योंकि अमेरिका के सारे प्रोफेसर फिलोसफी के, उनके धर्मगुरु सब परेशान हो गए थे और स्वामी जी के पीछे अमेरिका के लोग इतने पागलों की तरह से पड़ गए थे कि अमेरिका गए थे वो एक व्याख्यान देने के लिए, फिर बीसियों व्याख्यान उनके अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुए थे। वैसा ही एक धमाका अमेरिका में लगभग 107 साल के बाद हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। ये कुछ को इंसिडेंट है। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को एक धमाका अमेरिका में किया था भारत की तरफ से। इसी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक और धमाका हुआ था जिसमें अमेरिका के दो टॉवर टूटे थे। ये जो दोनों टॉवर टूटे आप सबने देखा, मैंने भी देखा, जिस दिन ये टॉवर टूटे थे मैं उस दिन मीडिया के साथ बात करता था तो अखबार वालों ने मुझसे पूछा था कि राजीव भाई आपका क्या मानना है, ये अमेरिका में दो टॉवर टूट गए, घटना सवेरे की है 8:30 से 9:30 के बीच की है और शाम को 3:30 बजे अखबार वाले सब आ गए और कहने लगे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो मैंने उस समय यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉवर टूटे नहीं है, तोड़े गए हैं। टूटना एक अलग बात है, तोड़ना बिल्कुल अलग बात है। तो उनका किसने तोड़े हैं, ओसामा बिन लादेन ने? तो मैंने कहा ओसामा बिन लादेन की इतनी औकात नहीं है कि वो दो टॉवर तोड़ पाए। अगर उसकी इतनी औकात होती तो वो अमेरिका से छुपते हुए कहीं गुफाओं में कंदराओं में नहीं रह रहा होता, वो सारी दुनिया के सामने ताल ठोक के खड़ा होता। तो फिर एक पत्रकार है इंडियन एक्सप्रेस के, जो नागपुर के करस्पोंडेंट है, ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा था उस समय कि मुझे लगता है कि ये दोनों टॉवर जॉर्ज बुश ने ही तोड़वाए होंगे या अमेरिका की सरकार ही इसमें शामिल होगी। तो अखबार वाले परेशान हो गए, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं तो गंभीरता से कर रहा हूं, भले धीमे कह रहा हूं लेकिन गंभीरता से और दृढ़ता से। कहने लगे कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट? मैंने कहा प्रूफ और डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, क्योंकि सवेरे टावर टूटे हैं और शाम को आप बात कर रहे हैं, थोड़ा मुझे समय दे दो तो मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो कोई आधार बता दीजिए जिससे आप ये सोच रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक पुराना डॉक्यूमेंट है, वो दिखा देता हूं। वो 1941 का एक डॉक्यूमेंट है और 1941 में आप जानते हैं विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 1939 से शुरू हुआ है और 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के एक पानी के जहाज के अड्डे पर, हार्बर माने पानी के जहाज का अड्डा, तो अमेरिका के पर्ल नाम के पानी के जहाज के अड्डे पर जापान ने बम गिराए थे, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि दो अमरीकी पायलटों ने गिराए थे, जापान का नाम लगाया था, वो बम अमेरिका ने ही गिराए थे अमेरिका के ऊपर और जापान का नाम लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि 41 के युद्ध में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे और ब्रिटेन और दूसरे देश रशिया वगैरह ये एक तरफ थे, एक मित्र देश थे दूसरे शत्रु देश थे। तो जापान और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे और जापान जर्मनी इतनी ताकत से मदद कर रहा था कि डर ये पैदा हो गया था कि हिटलर शायद दुनिया का राजा बन जाएगा। तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है, इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराए जाए तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हम जापान पर बम क्यों गिरा रहे हैं। तो अमेरिका ने ये खबर फैलाई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, लिहाजा हम जापान पर अटैक करेंगे, और इस आधार पर जापान पर दो एटम बम गिरा दिए जिसमें 9 लाख जापानी तो एक ही दिन में मर गए थे और करीब करीब 90 लाख से ज्यादा पिछले 50 सालों में मरे हैं। तो ये जो दुर्घटना हो गई 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 1950 में अमेरिका का राष्ट्रपति था आइजनहावर, उसने जापान के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, वो भी चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो ये कह रहा है कि वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है
कि हमने आपके देश के ऊपर 2 एटम बम गिराए, वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था, वो अटैक की योजना CIA के द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई थी, लेकिन हम मजबूर थे, आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थे, इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया था, तो हमने बहाना बनाया था कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापान ने किया है, इसलिए अमेरिका जापान पर अटैक करेगा, वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था। दुनिया को हमने जो फोटोग्राफ जारी किए थे हवाई जहाज से बम गिराते हुए, वो फोटोग्राफ में जापान के 2 नागरिकों को पायलट की सीट पर बांधकर बिठाया हुआ था, साथ में अमेरिकन्स बैठे हुए थे, और दुनिया को चिट्ठी और फोटो दिखाई गई कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे हैं, वास्तव में वो अमेरिकन्स ने गिराए थे। इसमें आपके देश का बहुत नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान की भरपाई कर चुके हैं, हम आपको मदद दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आपसे हम माफी मांग लें, क्षमा मांग लें। आगे के संबंध अमेरिका और जापान के अच्छे बनाने के लिए मैं एक योजना प्रस्तुत करता हूं, और वो योजना ये है कि अगले 100 साल तक अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा, और जापान के लिए आर्मी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी आर्मी देगा, आप कृपया हमें उसके लिए माफ करें। का तो कब गिरेगा और ऐसे गिरेगा तो कब, अगर प्लेन की स्पीड वायु में ध्वनि की स्पीड से ज्यादा है, आवाज की जो गति है ना हवा में, साउंड स्पीड, अगर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो टॉवर उसी दिशा में गिरेगा जिधर से प्लेन आया, ऐसे करके गिरेगा अगर प्लेन इधर से आए, और अगर प्लेन की स्पीड हवा में साउंड की स्पीड से कम है तो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में उस टॉवर को गिरा देगा। तो टॉवर हर हालत में या तो ऐसे गिरेगा या तो ऐसे गिरेगा, कोई भी टॉवर ऐसे नहीं गिर सकता। आपको याद है दोनों टॉवर ऐसे करके गिरे थे ऊपर से नीचे धड़ 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 धड़, और सेकंड्स में मैंने टाइम कैलकुलेट किया, क्योंकि वो वीडियो मैंने मंगा रखा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, CNN की जो लाइब्रेरी है उससे मैंने वीडियो मंगाया टॉवर के गिरने का, एग्जैक्ट नॉर्थ टॉवर 8.4 सेकंड में गिर गया, 8.4 सेकंड में पूरा डर 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 गिरता चला, जैसे रेत का महल। 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर कब गिर सकता है, जब उस टॉवर को अंदर से ब्लास्ट किया जाए किसी बम के द्वारा, और वो बम एक ना हो, टॉवर के हर मंजिल पर बम लगाया गया हो और सारे बम एक साथ ब्लास्ट करें, तो 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर गिरेगा। एक मंजिल की सामान्य ऊंचाई आप मान लें 10 फीट, 10 फीट का माने 3 मीटर, तो 3 मीटर की एक ऊंचाई है एक मंजिल की, तो 110 मंजिल की, और 110 मंजिल में 3 का गुणा करें, 330 मीटर ऊंचाई का कोई भी टॉवर गिराना हो तो कितने फोर्स का बम चाहिए और कितना उसमें RDX लगेगा, वो सब कैलकुलेशन मैंने लगाया तो पता चला कि कम से कम 440 बम होने चाहिए तब जाकर वो 8.4 सेकंड में गिरेगा, और वो 440 बम हर फ्लोर पर 4 बम होने चाहिए, और उनका कनेक्शन किसी मदर बम के साथ होना चाहिए, मदर बम ब्लास्ट होते ही 440 बम एक साथ ब्लास्ट होने चाहिए, तो 8.4 सेकंड एग्जैक्ट टाइम निकलता है, पूरा टॉवर जमीन पे आ जाएगा। तो ये जो पेन और टेलर थे, इन्होंने कहा कि हम आपके कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई करें, मैंने कहा यस करो, तो उन्होंने कहा फिजिक्स के किसी प्रोफेसर को मदद लें, मैंने कहा लो फिजिक्स के जिन फॉर्मुलेशन के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है वो मैंने भेज दिए। वो बेचारे दोनों पत्रकार 3.5 साल लगे रहे, 3.5 साल के बाद उनको 100 से ज्यादा फिजिक्स प्रोफेसर्स ने कहा कि दीज आर द बेस्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन, कि 8.4 सेकंड में 330 मीटर की टॉवर को गिराना पड़े तो इतना RDX चाहिए, इतना ग्लूटोन चाहिए, मैं जो RDX के साथ मिक्स करने वाला केमिकल है वो चाहिए, और 440 बम अगर होंगे तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी मिस्टर पेन और टेलर आप इस एंगल से देखेंगे इस पूरे एपिसोड को, तो उनका लगता तो ऐसा ही है लेकिन सबूत नहीं है, मैंने कहा सबूत भी मिल जाएगा, कोशिश करिए कोशिश करिए। बेचारे दोनों कोशिश करते रहे करते रहे, कोशिश करते करते उनके हाथ में कुछ 50 से ज्यादा सबूत आए, उन्होंने मेरे पास भेजे, वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया। वो सबूत आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्लेन के क्रैश में टॉवर नहीं टूटा, प्लेन का टक्कर ही नहीं हुआ टॉवर में,
तो आप बोलेंगे हमने तो देखा, प्लेन आया और उसमें घुस गया, हमने तो देखा। वो सिनेमा की ट्रिक फोटोग्राफी है जिसमें आपने प्लेन को घुसते हुए देखा। रियलिटी में क्या हुआ है वो अभी आप यहां देखेंगे। प्लेन आया टॉवर के नजदीक और ऐसे डाइव लगा के निकल गया। उस प्लेन को चलाने वाला जो पायलट ऑफिसर था उसका इंटरव्यू है 7 मिनट का मेरे पास। उस इंटरव्यू में उस पायलट को पूछा गया कि आप उस दिन सॉर्टी में थे, सॉर्टी माने फ्लाइट में थे। उसने कहा यस। आप कौन है? तो उन्होंने कहा अमेरिकन एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर हूं। आपका काम क्या है? तो उसने कहा फाइटर प्लेन उड़ाने का मेरा काम है। तो 11 सितंबर 2001 को आप कहां थे? तो उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी पर उड़ा था। तो क्या कर रहे थे? तो प्लेन उड़ा रहा था। क्यों उड़ा रहे थे? तो वो कहता है कि उस दिन हमारा ड्रिल था। ड्रिल समझते? युद्ध का अभ्यास, युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास। उन्होंने कहा हमारा ड्रिल था। कितने घंटे का? 3 घंटे का ड्रिल था। टाइम क्या था? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। तो सुबह 6 से 9 बजे आप जब ड्रिल कर रहे थे तो आपके साथ और कितने प्लेन थे? तो उसने कहा कि 182 प्लेन थे। पूरे अमेरिका में ड्रिल पर थे हम। मेरा प्लेन न्यूयॉर्क शहर के ऊपर था। तो आपको क्या कहा गया? तो उन्होंने कहा मुझे अचानक से एक आदेश आया 8:35 के आसपास कि अपने प्लेन को ट्विन टॉवर्स की तरफ मोड़ो। दूसरा आदेश आया कि टॉवर के नजदीक ले जाके डाइव लगा के निकालो, टॉवर हिट नहीं होनी चाहिए। तो वो पायलट ऑफिसर कहता है कि मैंने आदेश का पालन किया। तो वो कहता है कि मैं प्लेन लेके गया टॉवर के नजदीक में, ऐसे करके डाइव करके निकाल ले गया, बस इतना मैंने किया। तो फिर ये टॉवर कैसे गिरी? तो उसने कहा टॉवर मैंने पहले ही गिरते हुए देखी जब मैं प्लेन लेके जा रहा था। तो कैसे देखी आपने? तो वो कहता है कि मुझे कुछ आग का गोला दिखाई दिया। अंदाजा वो बोलता है कि शायद 94th या 95th फ्लोर पर मैंने देखा एक बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद वो टॉवर ने गिरना शुरू किया। आज ये पायलट ऑफिसर जॉर्ज बुश के लिए खतरा बन गया। तो अमेरिका छोड़कर अभी फ्रांस में रह रहा। उसने राजनीतिक शरण ली हुई है क्योंकि अमेरिकन सरकार उसको मरवा देगी। फिर उस पायलट ऑफिसर के बाद एक दूसरा ऑफिसर जो अमेरिकन एक डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहां होते हैं ना दमकल विभाग, ऐसे ही अमेरिका में भी फायर डिपार्टमेंट। उनके सबसे बड़े ऑफिसर को पूछा गया कि आपको आदेश मिला कब कि टावर के पास जाना है और आपका काम करना है? तो उनका हमको आदेश मिला 8:45, तब तक टावर गिर चुकी थी। लेकिन जब आप टावर के पास गए और आपने आग बुझाने के लिए अपना पानी का फव्वारा शुरू किया, उस समय आग जल रही थी? उन्होंने कहा आग नहीं जल रही थी। तो आपने पानी फेंका? हाँ फेंका। कहाँ फेंका? जमीन पर फेंका। क्यों? टॉवर गिर चुकी थी, जमीन पर ही पानी फेंकते। तो आपने जो कचरा उठाया? हाँ उठाया। उस कचरे में आपको प्लेन का मटेरियल मिला? तो उनका कोई मटेरियल नहीं मिला। अब ये हैरान करने वाली बात, आप जानते हैं हवाई जहाज की टक्कर हो और किसी टॉवर में हवाई जहाज जाके टकराए तो प्लेन में आप जानते हैं ईंधन होता है, इतना ज्वलंत होता है कि तुरंत प्लेन जलता है और टॉवर भी जलती है और घंटों घंटों जलते हैं। जलने के बाद वो मटेरियल अगर मेल्ट करेगा तो कचरे में मिलना चाहिए कि नहीं? तो फायर ऑफिसर कहता कचरे में ऐसा कोई मेटल नहीं मिला जो प्लेन का था। तो क्या मिला? तो कॉन्क्रीट मिला। वो कॉन्क्रीट कहां गया? तब उसने कहा हमने सब भारत देश को बेच दिया। अभी इंटरेस्टिंग बात सुनो, भारत देश को बेच दिया। किसने खरीदा भारत में? तो वो कहते हैं पंजाब के कुछ व्यापारियों ने खरीदा। क्या किया उसका? तो उन्होंने कहा इसमें से जो मेल्टेड आयरन था वो पंजाबी लोगों ने निकालकर उसकी साइकिलें बना बनाकर बेच दिया। तो मैं पंजाब में उन लोगों के पास गया जिन्होंने अमेरिका से ये कचरा खरीद कर लाए, और ऐसे दो लोगों ने मुझे कचरा दिया कि देखो हम जो लाए हैं वो ये है। मैं वो कचरा लेके आईआईटी की लेबोरेटरी में गया, दिल्ली और मद्रास दोनों जगह, और लेबोरेटरी में जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैंने कहा इस कचरे को टेस्ट करना है, इसमें कहा गया है कि प्लेन हिट किया है तो कोई मेटल मिलेगा। तो वो वैज्ञानिकों ने 8 महीने लगातार काम करने के बाद कहा इसमें प्लेन का कोई मेटल नहीं, इसमें लोहा है, वो लोहा है जो टावर में लगाया गया था, कंक्रीट है, सीमेंट है, ईट है जो टॉवर में बनाने में इस्तेमाल की गई थी, इसमें प्लेन का कुछ भी नहीं है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये दुर्घटना हुए करीब 6 साल से ज्यादा बीत गए, अमेरिका की सरकार आज तक ब्लैक बॉक्स को बता नहीं रही है कि वो है कहां। आप जानते हैं प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स है, डाटा रिकॉर्डर।
में उसको इस्तेमाल, प्लेन कितनी भी बुरी तरह से कहीं भी क्रैश करे, हिट करे, लेकिन ब्लैक बॉक्स उसका खत्म नहीं होता। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नाम का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है FDR। FDR और ब्लैक बॉक्स को अमेरिकन सरकार बता नहीं रही है वो गया कहां, अगर प्लेन ने हिट किया तो वो है नहीं ब्लैक बॉक्स और FDR भी नहीं है। क्यों? प्लेन ने हिट ही नहीं किया, ये तो सब बम ब्लास्ट से गिराया गया था। अब एक सबसे आखिरी इंटरेस्टिंग बात, आपको मालूम है ट्विन टॉवर्स नॉर्थ और साउथ में से कोई अगर अमेरिका गए होंगे तो इमीडिएट आपके ध्यान में आएगा, ये एक गली जैसे जाती है, एक गली के एक कॉर्नर पर नॉर्थ टॉवर है, दूसरे कॉर्नर पर साउथ टॉवर है, बीच में से गली, और वो गली एक जगह जाके डेड एंड है। उस डेड एंड पर एक और बिल्डिंग 47 मंजिल की एक तीसरी बिल्डिंग, नॉर्थ टॉवर, साउथ टॉवर, बीच में से गली जहां पर डेड एंड है वहां पर 47 फ्लोर की एक बिल्डिंग जिसका नाम था बिल्डिंग नंबर 7। इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के जॉर्ज बुश के आदेश पर 11 दिसंबर की शाम 3:30 बजे ब्लास्ट करके गिराया गया, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गिराया गया। ब्लास्ट करके उस 47 फ्लोर की बिल्डिंग को गिराया, बिल्डिंग नंबर 7। उसका मालिक है, उसके मालिक का इंटरव्यू लिया हमने, मैंने नहीं लिया, पेन और टेलर ने लिया, इंटरव्यू लेके मुझे भेजा। उसको पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने गिराई? हाँ गिराई। तुमको कोई दुख नहीं है? उसने कहा दुख किस बात का, बिल्डिंग का जितना पैसा था वो सरकार ने मुझे दे दिया। तो कितना दिया? तो उसने कहा $7 बिलियन मुझे मिला। तो बिल्डिंग कितने की थी? तो उसने कहा $2 अरब की थी। $7 अरब मिल गया, तो $5 अरब तुमको अमेरिका की सरकार ने ज्यादा कैसे दे दिया? तो वो कहता है टू कीप मम, चुप रहने के लिए $5 अरब ज्यादा मिला। तो क्या चुप रहने के लिए मिला? तो बताना नहीं कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई गई, तो अब तुम क्यों बता रहे हो? तब वो बहुत बुरी गाली देता, वो गाली मैंने उसमें से निकाल दी है जानबूझ के, क्योंकि जॉर्ज बुश के लिए वो अवमानना या मेरे खिलाफ अवमानना के रूप में इस्तेमाल, वो बहुत खराब गाली देता है और कहता है जॉर्ज बुश ये है, वो गाली के साथ कहता है जॉर्ज बुश ये है और मैं इसको अभी नंगा करना चाहता हूं, मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि जॉर्ज बुश को मैं प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मैं इसको दुनिया के सामने अब नंगा करना चाहता हूं। तो उसने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वो कहता है कि हमारी जो बिल्डिंग थी बिल्डिंग नंबर 7, इसमें CIA का हेड ऑफिस था और ये CIA का हेड ऑफिस 50 साल से चल रहा था, और अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में कुकर्म किए हैं पिछले 50 साल में उन सबके दस्तावेज इसी बिल्डिंग में रखे हुए थे, और 11 सितंबर की ये जो दुर्घटना हो गई इसके बाद अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का दबाव होगा पिछले 50 साल की घटनाओं के बारे में जवाब देने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उस बिल्डिंग को ही गिरा दिया, दस्तावेज ही नष्ट करा दिए ताकि कोई कुछ पूछ न सके। तो फिर उसको पूछा गया कि अब क्या हुआ, ये जो CIA का ऑफिस है अब कहां गया? तो उसने कहा वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मेरी बिल्डिंग $2 अरब की थी, मुझे $7 अरब मिल गया, फिर से मैं बिल्डिंग खड़ी कर लूंगा, पैसा मेरे पास है, लेकिन तुम अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? तो उसने कहा मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले इस जॉर्ज बुश को, क्या नहीं लेके वो कह रहा है कि इस जॉर्ज बुश को मैं सारी दुनिया के सामने नंगा करूं कि इसकी असलियत क्या है, ये कितना खतरनाक आदमी है। तो उसको पूछा गया कि तुम कितना खतरनाक मानते हो जॉर्ज बुश को? तब वो कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत सेंसिटिव है, और वो जानकारी आपको मिल जाए तभी आप ये ओपन करना, नहीं तो मेरा मर्डर भी हो सकता है। तो क्या जानकारी है? तब उसने बताया कि ये नॉर्थ और साउथ टॉवर दोनों जो थे इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जॉर्ज बुश की फैमिली का ही था। जॉर्ज बुश फैमिली की एक कंपनी चलती है अमेरिका में, उसका नाम है यूनोकोल। ये कंपनी के दो धंधे हैं, एक तो वो तेल बेचने का काम करते हैं, डीजल, पेट्रोल, LPG, दूसरा उनका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉर्ज बुश के दो भाई हैं, माने जॉर्ज बुश और उसका एक भाई है, उसका नाम है मार्विन बुश। ये अपने बाप के दो बेटे हैं, जॉर्ज बुश और मार्विन बुश। मार्विन बुश छोटा है, वो यूनोकोल कंपनी का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मार्विन बुश की जिम्मेदारी पर दोनों टॉवर थे, नॉर्थ और साउथ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी उसकी थी। तो कैसे गिर गई फिर ये टॉवर? तो वो कहता है कि ये थी मार्विन बुश ने सारे बम लगवाने का काम किया, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थी।
तो मार्विन को क्यों बम लगवाएगा। तब उसने असली राज खोला और वो राज के डॉक्यूमेंट से भी प्रूव हुआ। उसने कहा कि बात ऐसी है कि ये जो यूनोकोल कंपनी है इसमें ओसामा बिन लादेन और जॉर्ज बुश दोनों बिजनेस पार्टनर है। एक का इक्विटी है 51%, दूसरे की है 49%। जॉर्ज बुश के फैमिली की तरफ से मार्विन बुश इसका CEO है और ओसामा बिन लादेन की फैमिली की तरफ से उसका छोटा भाई इस कंपनी का डेप्यूटी CEO है। दोनों मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी ने क्या किया था, सऊदी अरब के एक शेख के साथ सौदा किया था और वो सौदा था दोनों नॉर्थ और साउथ टावर के इंश्योरेंस का। इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ टावर को बेचा था 5 सितंबर 2001 को सौदा हुआ। सौदे की कॉपी है, वो भी डॉक्यूमेंट्स में है। सौदा हुआ, सऊदी अरब के शेख ने दोनों टावर को खरीदा, उनका इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी मार्विन बुश को दी गई। मार्विन बुश ने थोड़ा कमीशन खाके जापान की दो कंपनियों से इंश्योरेंस करा दिया। टावर टूटने के बाद नुकसान जो हुआ वो जापान का हुआ, अमेरिका का कुछ नहीं। ये है अमेरिका। फिर आप बोलेंगे जी 3000 लोग मर गए। हां मर गए, जो 3000 लोग मरे उनमें एक भी अमेरिकन नहीं था। अमरीकी लोग क्यों नहीं मरे उस दुर्घटना में, क्योंकि अमेरिका के जो लोग उन टॉवर्स में काम करने के लिए जाते थे उन सबको उस दिन छुट्टी पर भेजा गया 11 सितंबर 2001 को, और छुट्टी देने का आदेश राष्ट्रपति के घर से आया कि जितने भी व्हाइट अमेरिकन हैं और ज्यूज हैं सबको कंपलसरी छुट्टी पे भेजना है, 11 सितंबर को कोई यहां नहीं आएगा। तो वो सब छुट्टी पे थे। तो बाकी लोग जो मरे वो कौन थे, वो हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, जो दोनों ट्विन टावर्स में झाड़ू लगाने का काम किया करते थे, पोछा लगाने का काम किया करते थे, सफाई करने का काम किया करते थे, ब्लू कॉलर जॉब्स में थे वो सब। तो 3000 मरे वो ये मरे। तब ये लैरी सिल्वर स्टील, जिसके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है लैरी सिल्वर स्टील, बिल्डिंग का मालिक, उसको पूछा गया कि मान लो एक भी अमेरिकन मरता तो उसने कहा जॉर्ज बुश की खटिया खड़ी हो जाती, एक भी अमेरिकन मरता तो इतना कंपेंसेशन देना पड़ता कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका परेशान हो जाती। इसलिए खूब कैलकुलेशन करके ये तय किया गया एक भी अमेरिकन मरना नहीं चाहिए, और नॉन अमेरिकन मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिटीजन नहीं है अमेरिका के, और जो अमेरिका का सिटीजन नहीं है उसके लिए कंपेंसेशन ज्यादा नहीं देना पड़ता, जितना दो उतना ही काफी होता है। जो अमेरिकन सिटीजन मरे तो कंपेंसेशन बहुत देना पड़ता है, मुआवजा बहुत देना पड़ता है। तो ये खेल हुआ। अब इस खेल का अंतिम उद्देश्य क्या, क्यों किया ये सब, आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, आखिर जॉर्ज बुश को क्या पड़ी थी। वास्तविकता जो है वो ये कि जॉर्ज बुश, मैंने आपसे कहा उसकी कंपनी है जिसका नाम है यूनोकोल, कंपनी का सीईओ है मार्विन बुश, ये कंपनी का धंधा है डीजल पेट्रोल एलपीजी। अब डीजल पेट्रोल एलपीजी बनाने के लिए आपको मालूम है कच्चा तेल चाहिए, कच्चा तेल दुनिया में जहां जहां मिले अमेरिका उसको लेना चाहता है। तो अफगानिस्तान नाम के देश में बहुत कच्चा तेल है, ये बात 2001 में जनवरी के महीने में पता चली। अफगानिस्तान को अब तक हम मानते हैं कि एक सूखा प्रदेश है, लेकिन सैटेलाइट ने बताया है कि उसी जमीन के नीचे बहुत तेल छुपा हुआ है और बहुत गैस है। तो जैसे ये पता चला कि अफगानिस्तान में गैस और तेल का भंडार है, उसी दिन से अमेरिका की नजर लगी अफगानिस्तान पर कि ये अफगानिस्तान तो हमारे कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि जो भी गैस निकलेगी और तेल निकलेगा वो अमेरिका का होना चाहिए। अब अफगानिस्तान अमेरिका का कब हो सकता है, जब अमेरिका का अफगानिस्तान पर कब्जा हो, और अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब अमेरिका वहां पर बमबारी करे और जो सरकार चल रही है उसको हटाए और अमेरिका अपनी सरकार लाए। तो अफगानिस्तान पर बम गिराना है, हमला करना है, उसके लिए कोई तो लेजिटिमेशन चाहिए दुनिया को बताने के लिए। तो अमेरिका ने ये दोनों टावर गिराने का खेल खेला, नाम लगाया कि अफगानिस्तानियों ने ये गिराए हैं, तो बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पूरा अफगानिस्तान कब्जे में ले लिया। आज अफगानिस्तान जो राष्ट्रपति है जिसका नाम है हामिद करजई, वो यूनोकोल कंपनी का मैनेजर है जो इस समय अमेरिका में, वो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति है। हामिद करजई 6 साल से क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में जहां जहां गैस के भंडार मिलने वाले हैं वहां से पाइपलाइन बिछा बिछा के सारी गैस अमेरिका कैसे जाए उसके काम में लगा हुआ, और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा हामिद करजई या तो मारा जाएगा या वापस उसको अमेरिका बुला लिया जाएगा।
ये तब तक रहेगा अफगानिस्तान में जब तक वो पाइपलाइन नहीं बिकसे। तो तेल लेके जाना है अमेरिका, गैस लेके जानी है अमेरिका। अब समस्या क्या आ रही है कि ये तेल और गैस की जो पाइप जाने वाले हैं अमेरिका, इसके बीच में एक देश पड़ रहा है जिसका नाम है ईरान। तो अमेरिका ईरान से कह रहा है कि जाने दो हमारे पाइप। ईरान का राष्ट्रपति कह रहा है कि इसके लिए पैसा दो मुझे, मैं क्यों जाने दूं, मेरे देश की जमीन है। तो झगड़ा ये है अमेरिका और ईरान का। तो अब अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए और एक दिन ईरान को भी ऐसे ही अफगानिस्तान जैसा बना लिया जाए और पाइप उनके अमेरिका तक पहुंच जाए और उसके बाद दुनिया जो कहे कहे, अमेरिका को किसी की परवाह नहीं है, ना यूनाइटेड नेशन की ना दुनिया की दूसरी संस्थाओं की। ये है खेल। अब इस खेल में एक विलेन आ गया था, उसको हटाना जरूरी हो गया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को कुछ भनक लगी कि गड़बड़ कुछ होने जा रही है, तो उसने कुछ तेल बेचने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। आज से 6 साल पहले की बात है, सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि ये अमेरिका बहुत खतरनाक है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ धोखा कर चुका है, दूसरों के साथ भी करेगा, इसलिए इस देश को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ। सद्दाम हुसैन ने एक आइडिया फ्लोट किया दुनिया के देशों में कि हम जो तेल बेच रहे हैं दुनिया के बाजार में, इसका भाव डॉलर में तय नहीं करेगा के लोगों के सामने बोलकर जा रहा हूं, अगले 3 साल में आपको अमेरिका ऐसे ही टूटते दिखाई देगा जैसे सोवियत संघ टूटा। मेरे शब्दों को आप लिख लेना, चाहे किसी पेपर पे लिख लेना या डायरी में लिख लेना। 2011 के बाद आपको अमेरिका ऐसा नहीं दिखेगा जो आज है। ये बुरी तरह से गिरेगा, टूटेगा, इसका डॉलर जाएगा, ये जमीन पर और रसातल में आएगा। तो आप बोलेंगे जो हमारे भाई बहन अमेरिका में रह रहे हैं उनका क्या, तो उनको बुला लो। मैं आपको सीरियस सजेशन दे रहा हूं, उनको बुला लो। तो कैसे बुलाएं? उनको कह दो कि डॉलर टूटने जा रहा है, जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना डॉलर 7 रुपए हो गया तो वो आएंगे भी तो कोई मतलब नहीं, वो जो लाएंगे वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा। सर अभी डॉलर 40 से 38 पे तो आ ही गया ना, और इसको भारत सरकार ने टेका दे रखा इसलिए 38 पर है, कल टेका वापस करे तो 30 रुपए भी नहीं है आज डॉलर। जो रियल एक्सचेंज रेट है ना, इस समय मैं जब बात कर रहा हूं तो 30 रुपए से भी नीचा है डॉलर का। भारत सरकार ने मार्केट में डॉलर को पंप करके रोका हुआ है उसके प्राइस को गिरने से, क्यों? भारत सरकार परेशान है कि डॉलर अगर बुरी तरह से क्रैश हुआ तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स का क्या होगा। तो सरकार के अपने प्रेशर्स हैं, कैलकुलेशन है, मेरे अपने कैलकुलेशन है, जिसके आधार पर मैं कहने आया कि ये टूटेगा, बुरी तरह से टूटेगा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी। हो सकता है अमेरिका का एक आध राज्य उनके हाथ से निकलकर दूसरे जगह चला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टैक्सॉस है ना, ये अर्जेंटीना में जा सकता है या मैक्सिको में चला जाए, या मैक्सिको वाले इसको छीन लेंगे और टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर है, एक यूनियन नहीं है, और अमेरिका को ये कल्चर नहीं है, बहुत सारी कल्चर का समूह है। वहां स्पेनिश लोग भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं, ब्रिटिश लोग भी हैं, आयरिश भी हैं, हिस्पैनिक भी हैं, ज्यूज भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोगों ने मिलकर एक उसको होमोजीनियस कंट्री के रूप में बना रखा है। होमोजीनियस का माने होता है खिचड़ी देश, चावल अलग नहीं, दाल अलग नहीं, खिचड़ी देश। तो खिचड़ी देश जैसा बना रखा है ये, पूरी तरह से जब इनके सामने ये व्यवस्था आएगी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स, डॉलर की बहुत बुरी गिरावट, मार्केट में भयंकर रिसेशन, प्रोडक्शन लेवल बढ़े नहीं उनका और लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाए। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इस समय 1.8 ट्रिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, इतना डेफिसिट हो चुका है। कितने दिन करेंगे वो अपना डेफिसिट पूरा करने का काम? तो अभी तो अमेरिका क्या करता है, दादागिरी करके डॉलर छापता रहता है, मार्केट में डालता रहता है। अब ये दादागिरी कंट्रोल हो रही है WTO के आने के बाद से, देशों ने सवाल उठाना शुरू किया है। भारत जैसे देश के ऊपर पाबंदी है कि आपका गोल्ड रिजर्व कितना है बताना पड़ेगा, तभी आप नोट छाप सकते हैं। अमेरिका के ऊपर ये पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, बहुत इंटरेस्टिंग, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि आज दुनिया के सब लोग अपने डॉलर को अमेरिका को वापस कर दें। कल्पना करो, दुनिया के जिस जिस आदमी के पास डॉलर है वो कहे कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, हम आपको डॉलर वापस दे रहे हैं, बदले में हमको सोना दे दो। तो अमेरिका अभी भिखारी देश है, क्योंकि दुनिया में जितने डॉलर इसने फैला रखे हैं ये बटोर कर वापस अमेरिका चले जाएं तो बदले में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाल है,
ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो इकोनॉमी होती है ना, जो अमेरिका में 50 साल से चल रही है, वो यहीं पर आकर टूटती है और वो टूटने जा रही है थोड़े दिन में, आप देखेंगे। और वो क्यों टूटेगी? क्योंकि दुनिया भर के देशों की हाय अमेरिका को इस समय लग रही है। सारी दुनिया के देश इस समय चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज्यादा हरामखोर और बेईमान कोई आदमी है तो जॉर्ज बुश है, या अमेरिका है, या वहां की कंपनियां हैं। तो वो कहानी डॉक्यूमेंट्स की जुबानी आप देखें, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और ये बातें आपके समझ में अगर आए तो आप दूसरों को बताएं। और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बातें, कि ये बातें आप आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो अमेरिका में रहते हैं, वहां तक पहुंचाएं, ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो। मेरा दिल में एक ही दर्द है कि ये हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं, अचानक से एक दिन ठंडन भोपाल बन के ना आ जाए, क्योंकि उनके बैंक के जो भी डिपॉजिट है वो सब बेकार हो जाएंगे अगर डॉलर 7 रुपए पे आ गया तो, कोई मतलब नहीं रह जाए। तो बहुत सारे को तो मैंने बुलाना शुरू किया। मेरे अपने जो दोस्त थे जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में कभी पढ़ा करते थे अमेरिका में, उनको मेरी बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। वो वापस आ रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, कोई खेती शुरू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ हजार तो आए हैं, 14-15 हजार के आसपास तो आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में भारतवासी अमेरिका में है। इनको अगर ये समझ में आ जाए और ये आने लगे, और कुछ भारतवासी जो अमेरिकन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं उनको बोलिए कि जितनी पगार है वो अमेरिका में मिलती थी उससे ज्यादा पूना में मिल रही है, आप आ जाओ। जितना उनको अमेरिका में वेतन मिलता था अब उससे ज्यादा तो हिंदुस्तानी कंपनियां दे रही हैं बेंगलोर में, पुणे में, वापी में, आ जाओ। अब क्या लालच है वहां रहने का? क्योंकि वहां जाने का एक ही लालच था कि डॉलर था 50 रुपए, तो यहां एक उनका एक डॉलर यहां 50 रुपए बैठता था। अब वो रहने वाला नहीं है, 2-3 साल में तो बिल्कुल ही कॉलेप्स होने वाला है, तो वो वहां से वापस आए। और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं, ये सारी दुनिया में थोड़े दिन में तहलका होने वाला है, क्योंकि दुनिया का मीडिया अब इस पर लग गया। मैंने ये जो आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बीबीसी को भी भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सीएनएन को वापस भेजे, सीएनएन से कुछ लिए फिर उनको वापस भेजे, ये डॉक्यूमेंट्स फ्रांस की कुछ एजेंसियों को भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ जर्मनी एजेंसियों को भेजे हैं। वो अपने अपने तरीके से इनका खुद वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन वो वेरीफाई हो जाएंगे, ये सब धमाका बीबीसी पे होगा, किसी दिन फ्रेंच टेलीविजन पे होगा, किसी दिन जर्मन टेलीविजन पे होगा, फिर अमेरिकी टीवी पे भी होगा, और इसी धमाके में अमेरिका थोड़ा हिलेगा और हो सकता है फिर दुनिया के सामने स्वीकार करे, जैसे 1950 में स्वीकार किया, यस वी हैव डिमोलिश्ड अवर टावर, हमने ही डिमोलिश किया है अपनी दोनों टावर को, तो दुनिया से माफी मांगे। और फिर सारी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स, पूरी भू राजनीति इस एक आधार पर बदले। मेरा निवेदन है कि ये लाइट्स प्लीज ऑफ कर दें ताकि आप अच्छे इसको देख सकें। मैंने आपको स्टोरी बता दी है, अब आप पूरी शांति से इसको देखेंगे। बीच में एक है जहां से आपको धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, और प्लेन है वो टावर से दूर है, तो टावर ने टूटना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ में रिमोट था, उसको कहा गया था कि 8:37 पर आपको ये बटन दबाना है। कैलकुलेशन ये किए गए थे कि ये प्लेन 8:35 तक यहां पहुंच जाएगा, लेकिन ये लेट हो गया, और इसी के लेट हो जाने से हम लोगों को ये सब खोज खबर मिल गई। कहते हैं ना, दुनिया में शातिर से शातिर, बदमाश और चोर कितनी भी होशियार दिखाए, कोई ना कोई एक गलती वो ऐसी छोड़ देता है जहां से सूत्र मिलते हैं और सारा उजागर पूरी दुनिया के सामने होता है। तो ये प्लेन नहीं पहुंच पाया, कैलकुलेशन सारे गड़बड़ा गए, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तब तक रिमोट को दबा दिया। 94th फ्लोर पर बम ब्लास्ट हुआ, उसका धुआं ये निकलता हुआ दिख रहा है। अब आगे आप इस टावर को गिरता हुआ देखेंगे। देखिए, कहीं भी प्लेन नहीं है, दिख रहा है कहीं प्लेन? आज देखा आपने ये ब्लास्ट, प्लेन दूर दूर तक नहीं है आसपास। देखिए टावर गिरना। This dust is caused by extremely high pressure, but it comes out of only a few windows. हाँ, जरा इसको पॉज करें तुरंत। When we look close,
यस, ये आप देखिए काले काले टुकड़े, ये जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके टुकड़े हैं सर, और यही मलबे में सारे के सारे मिले हैं। ये साइड में सारे टुकड़े बम के, अभी एक मिनट रोक सर प्लीज। हाँ, ये टावर बनाने वाला जो इंजीनियर है अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, और जिस आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया, जिस इंजीनियर ने बनाया, उनके पास से हमने पुराना फोटोग्राफ माना कि जब आप टावर की बिल्डिंग बना रहे थे उस समय का एक फोटोग्राफ चाहिए। शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको चैलेंज करते हैं, ये टावर जिस कॉन्क्रीट और लोहे से बना है इसमें अगर एक साथ 10 प्लेन भी आप हिट करो तो ये टावर नहीं टूट सकता। तो मैंने पूछा क्या होगा अगर प्लेन हिट करेंगे, तो उसने कहा कि मैं ये एडमिट कर सकता हूं कि मेरे टावर के डिजाइन में एक ही गलती है कि अगर प्लेन हिट करेगा तो इसमें आग लग सकती है, टावर नहीं टूटेगा। तो जिस इंजीनियर ने ये काम किया और जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया, हमने पूछा आप ऐसा कोई एविडेंस दे सकते हो हमें, तो उसने कहा कि यस, मेरा ही डिजाइन किया हुआ एक टावर है स्पेन में, मैड्रिड में, और उसको एक बार प्लेन हिट किया था। तो मैंने कहा वो हमें चाहिए फोटोग्राफ्स, तो इसने स्पेनिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके हमें फोटोग्राफ्स दिलवाए। तो वहां यही घटना हुई थी कि टावर उनकी थी करीब करीब 48-50 मंजिल की, इसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट की डिजाइन की हुई जिसने नॉर्थ टावर डिजाइन किया, तो उसमें प्लेन हिट हुआ था, वो टावर में आग लग गई, प्लेन जल गया, टावर जल गई, 7 दिन तक आग जलती रही, उसके बाद टावर का पूरा ढांचा वैसे का वैसा आज भी मैड्रिड में खड़ा हुआ है, वो फोटोग्राफ में अभी दिखाऊंगा। तो वो कहता है कि टावर में प्लेन हिट करता है तो आग लग सकती है, टावर गिर नहीं सकती, क्योंकि जितना कॉन्क्रीट और लोहा इसमें डाला गया है ये कितने ही 10 प्लेन एक साथ हिट करें तो भी नहीं गिर सकते, आग लगेगी गिरेगी नहीं, गिरेगी कब, तब उसने कहा जब आप एक्सप्लोजिव से उसे ब्लास्ट करेंगे तभी मेरी टावर गिर सकती है, अदरवाइज नहीं प्लीज। ये पुराना फोटो है उसका। अभी ये सेकंड्स का कैलकुलेशन है, इधर लेफ्ट में टावर गिर रही है एग्जैक्टली 8.4 सेकंड में जमीन पर आ गई, इधर ये सेकंड की वॉच है, 8.4 सेकंड का कैलकुलेशन आया, टावर पूरी गिरी। अभी एक मिनट जरा इसको रोकिएगा, ये कैलकुलेशन मैं समझाया है कि अगर आप 110 मंजिल की टॉवर को 8.4 सेकंड में गिरते हुए देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 टॉवर माने हर 10 मंजिल एक सेकंड में गिरे, यही तो हुआ ना, और 10 मंजिल एक सेकंड में गिरे ये तो धरती कंप में भी नहीं हो सकता, 10 मंजिल एक साथ एक सेकंड में गिरे ये धरती कंप में भी नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी इंटेंसिटी के एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट हों सभी 10 मंजिल पर, तब वो एक सेकंड में गिर सकता। तो वही हुआ और वो गिरते हुए आप देखेंगे आगे से, ये है एक मिनट इसको रोकिए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कवर का, ये मैंने वहीं से लिया, वो जो इंजीनियर है देखिए यहाँ पर इन्होंने जॉइंट्स फिक्स किए हुए हैं, ये टावर का एक साइड है, ये टावर का दूसरा साइड है, बीच में ये जॉइंट है ये। अब वो इंजीनियर क्या कहता है जिसने ये टावर डिजाइन किया, वो कहता है कि मुझे डाउट है कि ये जो जॉइंट्स है यहाँ पर बम फिक्स किए हैं एक्सप्लोजिव, एक यहाँ किया गया, एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर ऐसे करके ये बम फिक्स किए गए, और वो कहता है कि मदर बम से उनको कनेक्ट करके एक साथ ब्लास्ट किया तो ये साइड का पूरा हिस्सा गिर गया, उसके बाद सब कुछ नीचे आ गया। ये है उसके पीछे की थ्योरी प्लीज। However, when the pieces hit the floor below, they will slow down slightly because some of their energy will be used to break the floor. Therefore, there should be a delay every time the floor. 94th floor. The towers had 110 floors, so if it took 1 second for each floor to be crushed, that would be 110 seconds. However,
The seismic data and video show that the North Tower collapsed in only 8.4 seconds. The collapse started at about the 94th floor. If you were to drop a rock from the 94th floor, it would hit the ground about 8.4 seconds later. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते नहीं पढ़ते? चलो फिजिक्स अगर कोई 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे वो भी पढ़ते होंगे तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी पढ़ते हैं आप उसी फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन मैंने निकाला हाइट अगर आपको मालूम हो हाइट किसी भी बिल्डिंग की हाइट मालूम हो वहां से पत्थर का कोई टुकड़ा आप जमीन पर गिरा कितने सेकंड के बाद वो जमीन को हिट करेगा वो सिंपल सा क्वेश्चन है ये सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एट्थ में नाइन्थ में शायद आजकल सेवेंथ में भी पूछने लगे हैं तो नाइन्थ और टेंथ के फिजिक्स लेवल में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज 100 मीटर की बिल्डिंग है उस पर से पत्थर का एक टुकड़ा गिराया गया जी का मान इतना है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन तो आप बताओ कितने टाइम के बाद ये पृथ्वी को हिट करेगा तो मैंने ये कैलकुलेशन किया कि हमें हिट मालूम है हमें टाइम भी मालूम है 8.4 सेकंड में बिल्डिंग आ गई नीचे तो टाइम 8.4 सेकंड हो गया हाइट हमें मालूम है 110 मीटर है तो मैंने स्पीड कैलकुलेट करने का कोशिश इनिशियल स्पीड क्या था तो वो स्पीड वही निकला तो अमेरिकन फायर फाइटर्स माने दमकल विभाग के अधिकारियों ने कैलकुलेट करके दिया है कि ये इतने स्पीड से गिरना शुरू हुई थी तावन तो 8.4 सेकंड के बाद कोई अगर चीज 110 माले से गिर के नीचे आ रही है तो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाना बहुत आसान है क्योंकि फिजिक्स इसमें सक्षम है और फिजिक्स के फॉर्मूले इसके लिए है उस कैलकुलेशन से ये मैंने बताया और ये ड्रॉ किया इसमें बस इतना ही है कि वो अगर पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो सीधे नहीं आएगा एक पैराबोलिक शेप में आएगा बस इतना ही अंतर है लेकिन टाइम उतना ही आएगा 8.4 सेकंड प्लीज दिस मींस दैट द पीसेस ऑफ द बिल्डिंग वर फॉलिंग एज फास्ट एज ऑब्जेक्ट्स फॉल थ्रू द एयर हाउ कैन ऑब्जेक्ट्स इसको ध्यान से सुनिएगा यूजिंग कंक्रीट फ्लोर्स एज फास्ट एज दे फॉल थ्रू द एयर देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेशन Explosives were placed in these buildings before the attack. The North Tower started to collapse when explosives at the 94th floor were detonated. The explosives were timed so that the floors were shattered before the pieces contacted it. The pieces of the building fell in only 8.4 seconds because none of the pieces crashed into a floor. We were told that fire caused the towers to collapse. ये मैड्रिड वाली घटना है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये बिल्डिंग है ये उसी इंजीनियर और उसी आर्किटेक्ट की बनाई हुई है जिसने नॉर्थ टावर बनाया इसको जब पूछा गया तब इसने बताया कि इस बिल्डिंग में प्लेन हिट हुआ था 18 फरवरी 2005 को प्लेन हिट हुआ था उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे देखिए The fire became so intense that it spread towards the next, causing the building to look like a torch. This fire was much larger than the fire at the World Trade Center. The next morning, there were still fires in the lower floors. Everything inside the building had been burned. Some sections of the building broke, and a few portions at the top of the building collapsed. However, the building remained standing. इसको रोक हाँ सब जल गई पांच दिन हो गया बिल्डिंग में आग लग के शांत हो गई अब वो ऐसे खड़ी हुई है प्लेन हिट होने के बाद तो ये डॉक्यूमेंट जब मिला तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई कि अमेरिका इतना भी झूठ बोल सकता है तो अभी मैं आपसे कहने आया कि अमेरिका पिछले 100 साल से दुनिया के सामने ऐसे ही झूठ बोल रहा है By comparison, the fire in the South Tower was so देखिए साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ ये प्लीज रोकिए जरा ये साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ दूर दूर तक प्लेन नहीं है कहीं आगे आगे We know that a few firemen made it up to the fire zone of the South Tower because they used their handheld radios to send reports about the fire. They said there were only a few areas with fire.
Obviously, the fire was too small to kill a fireman, but we are supposed to believe that it was large enough to cause the buildings to collapse after burning for only 56 minutes. इसको जरा नोट। एक दूसरा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कि सपोज Madrid, Spain was much more intense and it burned all night. ये रिपीट हो गया। ठीक है। Building to collapse. Scientists created this temperature map of the rubble 5 days after the collapse. Obviously, the rubble would be cooler after 5 days. Also, firemen sprayed water on the rubble during those 5 days. However, one location in the rubble of Building 7 was above the melting point of aluminum, and so was one location in the rubble of the South Tower. How can a building fall down and 5 days later, the peak... ये कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं जैसे 1341 डिग्री सेंटीग्रेड फिर उसके है 1377 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है उस मेटल को डिसॉल्व होने के लिए या मेल्ट होने के लिए जिससे प्लेन बनाया जाता है आप जानते हैं प्लेन खास तरह के मेटल से बनता है उस मेटल को अगर हम पूरी तरह से मेल्ट करें पानी की तरह से पिघलाएं तो कम से कम टेम्परेचर 1341 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए The presidents of two different countries. एल्यूमिनियम मेल्ट होने के लिए 1218 डिग्री फॉरेनहाइट चाहिए लेकिन प्लेन एल्यूमिनियम का नहीं होता एलॉय होता एल्यूमिनियम उसमें यूज होता है These incredible temperatures are more evidence that explosives were used. हाँ अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको जरा रोकिए एक मिनट रोकिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक बिल्डिंग है ये बिल्डिंग नंबर 7 है CIA का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में आप इसका पीछे से देख रहे हैं अभी सामने से भी देखें इस बिल्डिंग को शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच में गिराया गया उसी दिन 11 सितंबर और बम लगाकर इसको ब्लास्ट किया और फायर डिपार्टमेंट ने इसको गिराया जॉर्ज बुश के ऑर्डर पर गिराया उस ऑर्डर की कॉपी इसमें आगे आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में है तो इस बिल्डिंग को गिराने वाले जो फायर फाइटर्स थे उनसे जब पूछा गया कि आपने बिल्डिंग को गिराया क्यों तो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति का ऑर्डर है तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था CIA का तो भी गिरा दिया तो उसने कहा हमारे यहाँ ऑर्डर तो ऑर्डर होता है तो CIA हो या कोई भी हो हमको ऑर्डर मिला हमने गिराया कैसे तब उसने एक्सप्लेन किया है कि इसके सभी फ्लोर में हमने एक्सप्लोजिव्स यूज किए और उनको मदर बम से कनेक्ट किया मदर बम को हमने डिटोनेट किया सारे एक्सप्लोजिव्स एक साथ डिटोनेट हुए और बिल्डिंग धड़ गिरता चला गया आप देखेंगे कैसे गिरा ये बिल्डिंग जैसे गिरा एग्जैक्ट वो नॉर्थ और साउथ टावर की तरह से ही गिरा This was a 47 story building with a steel frame. स्टील फ्रेम बिल्डिंग है ये It was not hit by an airplane. इसमें प्लेन हिट नहीं हुआ देखिए कैसे गिरेगी Late in the afternoon, this building collapsed. The government investigated the collapse of this building. However, after 7 months of investigating, their conclusion was they have no idea why the building collapsed. A few months later, the landlord of the building ये है जो आज भी इससे पोल खोल ये हमारा बहुत मददगार है इसी का नाम है लैरी सिल्वरस्टीन जो जॉर्ज बुश को बहुत गाली देता है ये अगर मुंह नहीं खोलता तो हम में से किसी को ये हवा नहीं पता चलती कि आखिर हुआ था But nobody asked any questions. The collapse of Building 7 is identical to the collapse of buildings that are brought down. अब देखिएगा सामने से कैसे गिरी है ये hold the building together. ऐसे गिराई जाती है बिल्डिंग बम ब्लास्ट Dust is produced at the base of the building. There is a tremendous amount of evidence that the government created the September 11th attack. We could spend days discussing all of it. Magazine and hours from all the tools, the basic back to back, ध्यान से पढ़िए और आप में से कोई भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो या टीचर हो तो इसको आप जाकर और एनालाइज करिए The fact that those towers collapsed in 10 seconds is proof that explosives destroyed the towers. Building 7 also collapsed in America. The explosives. This is why the government says they do not know why Building 7 collapsed. Anybody who looks at this evidence and continues to insist that fires caused the buildings to collapse is simply having a difficult time facing the possibility that a government could commit such a crime. Another reason it is difficult to believe the government created the September 11th attack
ये जरा दो, ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं, इन्हीं का सारा खेल है ये जो प्लानिंग हुआ। ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं जो डिफेंस के लिए एडवाइज करते हैं जॉर्ज बुश को। Another reason for the silence is that the television, magazines, and newspapers of America and Europe are controlled by a small number of people. These people prevent the reporters from talking about explosives in the World Trade Center. Instead of telling us about the explosives, they show lots of photos of Osama bin Laden. This creates anger towards Arabs, and it fools people into thinking that the Arabs are responsible for the attack. The news agencies are trying to manipulate emotions, not to provide serious information. Most reporters ignore us when we talk about explosives in the towers. Occasionally, a magazine program tries. America ke market mein sabse zyada bikne wali ye magazine hai. Iska naam hai Popular Mechanics. America mein engineering ke jo bhi log hain engineering field ke, wo sab is magazine ke subscriber hain. Idiots. ये है पेन और चीज रोके। ये दोनों महान लोग इनको मैं बहुत महान मानता हूँ। अमेरिका से भाग गए हैं, फ्रांस में रहते हैं क्योंकि सरकार इनको मरवाने की तैयारी है। ये जिमी वॉल्टर है जो CNN टीवी चैनल है ना, उसका इस समय CEO है CNN का। तो इससे टेलीफोन पे बहुत बार हमने बात किया, तो एक ये टेलीफोन पे इस समय बात कर रहा है। ये देखिए, ये जो आवाज है ये हमने रोका हुआ है, सुने नहीं आप, बहुत खराब गाड़ी है। ये है, ये जरा रुक, ये है वो बुक जिसका ये कवर पेज होगा, पेनफुल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ द सितंबर 11th अटैक। ये लिखने में बहुत मदद कर रहे हैं ये सब। The angry and childish attacks on Jimmy Walter and me could be a sign that the criminals are frightened that we are exposing them. However, when a criminal tries to cover up his crime, he runs the risk of releasing more information about himself. These television shows and magazines can help us understand who is behind the September 11th attack and how they get away with these crimes. The executives of the major television networks, magazines, and newspapers are involved in these crimes. They help cover up the crimes by ignoring important information and by insulting those of us who complain about the crimes. The news agencies that ignore or insult us are identifying themselves as being either incompetent news agencies or as members of a criminal network. In either case, we should not purchase their newspapers, magazines, or television programs. अभी आप ये पेंटागन वाला एक सीरियस डॉक्यूमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमारे पेंटागन पे भी अटैक हुआ। नॉर्थ टॉवर और साउथ टॉवर का सच तो आपने जान लिया, पेंटागन का सच जान लीजिए। पेंटागन की बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ये एक गेट, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ये गेट है, ये पूरी बिल्डिंग है। इधर आप देख रहे हैं एक प्लेन है, ये पेंटागन का अपना प्लेन है, माने अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन है जो उनके रनवे पे खड़ा रहता। पेंटागन का अपना स्पेशल रनवे है। तो हुआ ये कि एक ट्रैक्टर इस प्लेन को खींच के ले जा रहा था। आप जानते हैं खड़े हुए प्लेन को ले जाने के लिए ट्रैक्टर होते रहते, तो एक ट्रैक्टर इस प्लेन को खींच के ले जा रहा था। तो ट्रैक्टर जिस साकल से खींच रहा था वो टूट गया, तो ट्रैक्टर आगे निकल गया, प्लेन में स्पीड आ चुकी थी तब तक। तो ये प्लेन चले हुए यहां जाके टकरा, तो एक छोटा सा छेद हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस तोड़ दिया। कुछ हमला नहीं है, ये प्लेन जाके वहां टक्कर लग के रुक गया और एक छोटा सा छेद हुआ। सारी दुनिया में इन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये पेंटागन अटैक की ये असलियत है। इसको ये वहां जाके देखिए टकरा गया।
तो अंदर चला गया वो दूसरा प्लेन, और ये प्लेन जो है ना उड़ रहा है, ये वही प्लेन है जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये टक्कर लगी थी नॉर्थ टावर से। ये है देखिए प्लेन ऐसे जाके टक्कर है। न्यू पर्ल हार्बर ये मैंने लिखा, ये देखिए डायरेक्ट टेलीकास्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। Of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in. And as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you can pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. कोई plane crash नहीं है, ये American CNN ने breaking news में कहा है। यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं है और यहाँ एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया में ऐसा हुआ मचाया कि बहुत बड़ा उन्होंने वहां पर प्लेन टारगेट ये कर दिया। अभी इसमें आगे एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसकी अंग्रेजी, ये है वो पायलट ऑफिसर जिसका मैं बार बार बात कर रहा था, उसने वो प्लेन उड़ा, ये है वो चिट्ठी, जरा इसको रोकिए। अमेरिका ने जो कमीशन बनाया जिसने इंक्वायरी किया, उस कमीशन का ये चिट्ठी है जो उन्होंने लिखा जॉर्ज बुश को, और इसमें उन्होंने ये पहली बार कहा कि 3000 लोग जो मरे हैं उनमें से एक भी अमेरिकन नहीं है। ये 9/11 की रिपोर्ट है, टोटल रिपोर्ट में उन्होंने जितने नाम लिए हैं एक भी ओरिजिनल अमेरिकन नहीं। अब जरा देखिए अमेरिकन पार्लियामेंट का सीन है, ये जरा पार्लियामेंट को देखिए, रोकिए जरा इसको प्लीज। ये आप देख रहे हैं ये एक सांसद है, एक सेनेटर है, वो पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहता है, लेकिन जॉर्ज बुश के जो सहयोगी है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे वहां भी होता है, आप ऐसा मानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा होता है, अमेरिकन पार्लियामेंट में उससे ज्यादा होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन सेनेटर है, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये रिपब्लिकन पार्टी का ही है, जॉर्ज बुश की पार्टी का है, ये कुछ सवाल उठा रहा है, और ये सवाल क्यों उठा रहा है, क्योंकि इसको हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो ये खड़े होकर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको उठाकर बाहर फिंकवा दे जॉर्ज बुश। ये असलियत है अमेरिकन डेमोक्रेसी की। हमारे यहां होता है ना कई बार नेता उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं तो उठाकर फिंकवा दिया जाता है, ये अमेरिकन। उसको पकड़ के ले गए, ये वो चिट्ठी है, आप शायद क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे अभी, लेकिन मैं जब किताब में छापूंगा तो बहुत साफ पढ़ाएंगे। ये देखिए क्या कह रहा सुन, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वही स्टेटमेंट है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये पत्रकार, ये जो डील की बात कर रहा था ना किसी ने बताई कि बहुत बड़ा डील हुआ, दोनों टावर को बेचा गया, पैसे उसमें लेन देन हुए। Zombie poll was released that showed 50% of New York City residents believe the government had foreknowledge and made a conscious decision not to intervene. 50% of the people who live in New York believe that. It's time for a serious investigation.
सर्वे हुआ अभी थोड़े दिन पहले और अमेरिका के लोगों को पूछा गया कि कितने लोग अमेरिका में मानते हैं कि जॉर्ज बुश झूठा है. सो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा यस ही इज अ चीटर इन लायर. 90% से ज्यादा 90% And then now, September 11th is being used to kill our freedoms, to destroy what America is built on, what America is supposed to really be about. Most of my friends have questions about what happened on 9/11. This is a sister. इसका बहुत डिटेल हमारे पास बयान है. ये उस दिन वहाँ नीचे खड़ी थी जिस दिन ये टॉवर दोनों गिरे. तो इसने बार बार कहा कि मैंने कोई भी प्लेन को दोनों टॉवर में हिट होते नहीं देखा. मैंने जो देखा वो ये था कि बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद टॉवर दोनों गिरे. वो बार बार कह रही है ये बहन. इसके बाद ये एक भाई है, ये भी वहां था उस दिन 11 सितंबर को. नॉर्थ और साउथ टॉवर के नीचे वाला जो मार्केट एरिया वहां पर ये घूम रहा था. ये भी कहता है कि मैंने किसी प्लेन को हिट होते हुए नहीं देखा, मैंने बम ब्लास्ट की आवाज सुनी और उसके बाद टॉवर गिरे. ऐसे 100 से ज्यादा हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, 100 से ज्यादा जो कहते हैं जिन्होंने प्लेन हिट होते देखा ही नहीं. वो बम ब्लास्ट ही दोनों टॉवर. Heard a lot of interesting things from people. A few just happened today. A woman came up saying that her family received a phone call from a family friend. She was told by this family friend on September 10th, the family friend was a Navy SEAL, told not to show up in Lower Manhattan tomorrow, which was of course the 11th. It's going to be a major event. Investigate. Yeah, trade center jo tha na, north or south. वहां पर एक ट्रेड सेंटर था, उनकी तरफ से ये सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया. और सौ से ज्यादा विटनेस हैं जो सामने से आकर बोले हैं कि उन्होंने कोई प्लेन हिटते हुए नहीं देखा. हाँ ये है, ये ऑडिगो एक एजेंसी है वहां की, वो अमेरिकन सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी है. उनकी तरफ से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको पोस्ट ने ये एक और अपनी तरफ से चिट्ठी जारी की थी, ओपन लेटर उसमें एडिटर कॉलम में. और उसमें अमेरिकन्स को अपील की गई थी कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नजदीक ना जाए. इसमें लिखा गया This is on the record and cannot be ignored. Students pointed up at the towers and told their school teachers in the weeks before 9/11. ये पुलिस की इंटरनल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था उनकी चिट्ठी. And then on top of this, we have the public officials being warned. Total evidence of prior knowledge. And while we were in New York, we talked to dozens of eyewitnesses who had been personally warned themselves, but were afraid to come public. Some have been told to keep their mouths shut. ये एक और प्रत्यक्षदर्शी है, उसी दिन वहां खड़ा था. इसको सुनिए, ये भी वही महिला. ये कह रही है 26-27 आवाजें इसने सुनी है और मीडिया वालों को कहा कि मैंने बम की आवाजें सुनी है, लेकिन मीडिया ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. स्टोरी वही बनाई गई कि प्लेन का हिट हुआ है और टॉवर हुआ. अभी इसको प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा है. मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँ. आप पूछेंगे जी हम क्या कर सकते हैं. आपने अगर इसका अंदाजा लगाया कि ये कितनी सीरियस बात है, सारी दुनिया को बताया गया उसका बिल्कुल उल्टा है सच्चाई जो है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना झूठ बोलने वाला देश है ये अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन. अब वो जो झूठ बोलने वाला अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हमारे भारत की सरकार ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाती जा रही है
जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका का आरोप था कि चूंकि आपने बम ब्लास्ट किया है इसलिए हम आपको एक ग्राम भी यूरेनियम नहीं दे सकते। फिर हमारे देश की सरकार ने दो बम ब्लास्ट किए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो यही अमेरिका था जिसने भारत की कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई। आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में उसको बैन किया और पाबंदियां लगाई। फिर अचानक उस अमेरिका के दिल में इतनी दया कैसे आई कि भारत को यूरेनियम देना चाहिए? ये दया कैसे आई अमेरिका के? अभी तक अमेरिका का स्टैंड यह है कि भारत परमाणु बम बना सकता है इसलिए इसको यूरेनियम नहीं देना चाहिए, और अब अचानक से अमेरिका कहता है कि भारत से हमें दोस्ती बढ़ानी है, यूरेनियम देना चाहिए भारत को, और उसके लिए एग्रीमेंट करने को तैयार है। बात कुछ और है, और वो बात इतनी गहरी है, हमारे भारत देश में वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से ये खोजने में लगे हुए हैं कि यूरेनियम के अतिरिक्त और कौन सा हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे हम बम बना सके या बिजली भी बना सके। तो इसके लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें 6,000 वैज्ञानिक रात दिन इसी काम पर लगे हैं पिछले 40 साल। उन वैज्ञानिकों की टीम को पता चला कि भारत में ये जो तमिलनाडु है, केरल का एरिया है, समुद्री एरिया, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे भारत में अगले 150 साल तक बिजली बनाई जा सकती है, अगले 150 साल। और वो रेडियो एक्टिव ईंधन को अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हमें किसी भी देश के सामने कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं। हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो इस फिलॉसफी के हैं कि अमेरिका से यूरेनियम की भीख मांगने से अच्छा है भारत में जो उपलब्ध है उससे बिजली बनाना। तो हमारे पास कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव ईंधन है, कम से कम 5-6 ईंधनों का पता चल गया है। एक ईंधन तो इतना ज्यादा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार मुझे पर्सनली कहा था दिल्ली में जब मैं उनसे मिलने गया कि 150 साल तक 4,00,000 मेगावाट बिजली हर घंटे हम बना सके, इतना हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है। तो मैंने कहा कि फिर आप इस बात को खुलकर कहते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब कहूंगा, क्योंकि सरकार में हूं तब तक मैं वही कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री मुझसे कहलवाता है, रिटायर होने के बाद कहूंगा। और उन्होंने रिटायर होने के बाद पहला स्टेटमेंट दिया, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, शेखर गुप्ता को 2.5 घंटे का इंटरव्यू दिया जिनमें उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से एक ग्राम भी यूरेनियम लेने की जरूरत नहीं है, हम अगर ऊर्जा बनाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, 150 साल तक इतना ईंधन है। अब अमेरिका की नजर हमारे उस ईंधन पे लगी और अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अपना रेडियो एक्टिव ईंधन अमेरिका को दे और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत ईंधन हमको दे। ये है खेल। अब इस खेल को पूरा करने के लिए जहां पर ये रेडियो एक्टिव ईंधन छुपा हुआ है वो जगह कौन सी है, वो बहुत महत्व की बातें जानते हैं। वो जगह है वही जिसको आप कहते हैं श्री राम सेतु। आपने नाम सुना श्री राम सेतु, जिस पर बहुत बवंडर मचा हुआ। श्री राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में 17.5 लाख साल पहले श्री राम जी का बनाया हुआ वो पुल है जिस पर वो लंका गए थे और विजय कर वापस लौटे थे। 1480 के साल में एक भयंकर सुनामी आया था, उसमें ये श्री राम सेतु समुद्र के नीचे चला गया। उसके पहले तक अंग्रेजी रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो व्यापार होता था वो श्रीराम सेतु के ऊपर से होता था। श्रीराम सेतु 35 मील लंबा है और 3.5 मील चौड़ा है। 35 मील लंबा है, 3.5 मील चौड़ा है। 3.5 मील चौड़ा है इसका माने 8-10 बैलगाड़ियां आराम से इधर से उधर जा सकती है। तो भारत से कपड़ा लेके बैलगाड़ियां उधर जाती थी, उधर से काली मिर्च लेकर, पान के पत्ते लेकर बैलगाड़ियां इधर आती थी। तो व्यापार भारत और श्रीलंका का 3000 साल ये श्रीराम सेतु के ऊपर से हुआ। ये इंग्लिश रिकॉर्ड्स है, अंग्रेजी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स है। अब वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है कि ये जो श्रीराम सेतु जहां पर है समुद्र की तलहटी में, वहीं पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव ईंधन है। तो वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए किसको? अमेरिका। तो अमेरिका को वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए तो ये तभी संभव है जब वो श्रीराम सेतु को तोड़ा जाए। वो सेतु टूटे तो रेडियो एक्टिव ईंधन वहां से निकले और वो सरकार अमेरिका को बेचने को तैयार है। और ये मनमोहन सिंह को मैं आपके यहां 10 साल पहले कहकर गया था, ये अमेरिकन एजेंट है जो हिंदुस्तान की सरकार में बैठा हुआ है।
पत्रकार चाहें तो इसको छाप दें कल फ्रंट पेज पे कि राजीव दीक्षित कहता है कि मनमोहन सिंह अमेरिकन एजेंट है। ये अमेरिकन एजेंट है जो भारत की सरकार में बैठा है और ये आदमी चाहता है कि अगले 1.5 साल में जब तक ये गद्दी से उतरे उसके पहले ये श्रीराम सेतु टूट जाए। ये सेतु का एरिया अगर टूटा तो वहां से रेडियो एक्टिव मटीरियल निकला और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको अमेरिका भिजवाना है और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत यूरेनियम देगा, ऐसा एग्रीमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत खतरनाक हो गया है। अगर श्रीराम सेतु इन्होंने तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया और सेतु टूट गया तो ये सारा का सारा एरिया अमेरिका के कब्जे में चला जाएगा और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है भारत और श्रीलंका के बीच का। आप में से कोई लोग अगर रामेश्वरम गए हो सेतु रामेश्वरम तो जहां पर धनुषकोटी है, धनुषकोटी तो जहां पर धनुषकोटी है रेडियोएक्टिव मटेरियल है वहां पर। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 150 साल तक हम इस खोज के निकालते रहे तो ये खत्म होने वाले नहीं। अमेरिका की नजर वहां लगी है तो उसने एक आदमी अपना बिठा दिया है जो भारत में श्रीराम सेतु तोड़ने की तैयारी में है और उस मनमोहन सिंह को एक सहयोगी मिल गया है करुणनिधि नाम का जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। वो कहता है कब राम ने बनाया था, कौन राम हुए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, कहां उन्होंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली जो ऐसा पुल बना सके। ये बकवास वो करुणानिधि करता रहता और आप सबने अखबार में उसकी बकवास सुनी भी होगी, मीडिया में पढ़ी भी होगी। तो खेल ये चल रहा है कि करुणानिधि जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग भारत का 17.5 लाख वर्ष पुराना श्री राम का बनाया हुआ पुल तोड़कर वहां से निकाले हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल को अमेरिका बेचे। और इसके लिए एक कंपनी बनी है जिसमें पार्टनर है करुणानिधि और टी आर बालू आप जानते हैं शिपिंग मिनिस्टर है इस समय केंद्र सरकार का। तो टी आर बालू और करुणानिधि ने पैसा डालकर एक कंपनी बनाई है जो ये पुल टूटेगा। तो पता ये क्या बोलने वाले हैं कि पुल टूटेगा तो कचरा निकलेगा, वो कचरा नहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलेगा उसमें। आपको बोला जा रहा है कि कचरा निकला तो उस कचरे को इकट्ठा करके हम कहीं कहीं भेज देंगे, तो कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, भेजेंगे नहीं बेचेंगे और उसका डील होगा तो ये दोनों या तीनों मिलके खाएंगे, थोड़ा बहुत किसी और को मिल जाए तो मिल जाएगा। तो ये खेल चल रहा है। अब इस खेल को हम हिंदुस्तानी समझ पाए तो शायद श्रीराम सेतु को बचा ले, नहीं समझ पाए तो ये टूट जाएगा अगले 6-8 महीने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में केस इस समय है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उस केस में सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि ये सेतु राम ने बनाया है या नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। राम जी का बनाया हुआ है तो टूट नहीं सकता, तो वो धरोहर हो जाएगा, और प्रकृति ने बनाया ऐसा कोर्ट ने सिद्ध कर दिया तो उसको तोड़ने का आधार मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने उनसे कहा कि आप किस आधार पर तय करेंगे, क्योंकि राम जी तो 17.5 लाख साल पहले हुए, आप कौन सा एविडेंस लाएंगे 17.5 लाख साल पुराना। तो चीफ जस्टिस ने मुझे कहा आपके पास कौन सा एविडेंस है, तो मैंने कहा मेरे पास 17.5 लाख साल पुराना तो एक ही एविडेंस है, वो है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है राम जी के समय में लिखी गई है, उसी समय की है। तो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें विस्तार से वर्णन है श्री राम सेतु का, और वर्णन यहां तक है कि कैसे बन रहा है, कौन से पत्थर लगाए जा रहे हैं, ईंट कैसे लाई जा रही है, पत्थर जोड़ने के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, नीचे क्या बेस दिया जा रहा है, ये सारा एक एक माइक्रो डिटेल है उसमें। नल और नील ने किस तरह से सर्वेक्षण किया है, कौन सा स्थान उन्होंने तय किया है यहीं पर सेतु होना चाहिए, हनुमान जी ने उनको क्या सजेशन दिया है। तो आप जानते हैं ये कहानी तब है जब हनुमान जी सीता जी को मिलकर आ चुके और उन्हें मालूम है कि लगा जाने के लिए कौन कौन से स्थान है जहां पर पानी कम है और जहां एक छलांग लगाए तो पानी पार होता है। तो हनुमान जी वही रास्ता नल और नील को बता रहे हैं कि ये इलाके में पानी कम है तो सेतु ऐसा बनाओ जो कम पानी वाले एरिया से निकलता जाए। तो वो कह रहे हैं कि यार मैंने नल भी ये यार मेरा शब्द है आप इसको अन्यथा मत लेना, वो पूछ रहे हैं क्योंकि दोस्त हैं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं। तो नल और नील कहते बहुत कर सकते हैं, हम लकड़ी लाएंगे काटकर इस जंगल में ऐसी लकड़ी है जो पानी में कभी भी गलती नहीं है, तो वो लकड़ी लाएंगे, उस लकड़ी के ऊपर पत्थर रखेंगे, पत्थर के बीच में कुछ लगाएंगे चूना, फिर पत्थर रखेंगे, ऐसा करके लकड़ी को डुबोते जाएंगे और वो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो
थोड़ा समय कम है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता किस तरह से ये डिजाइन किया है श्रीराम सेतु को नालौर मिल ने। और ये डिजाइन करने में 8 महीने लगा, उनको बनाने में 1 साल से कुछ ज्यादा समय लगा। ये तैयार हुआ है, फिर राम जी की चढ़ाई हुई है और राम जी सीता जी को लेकर वापस आए। तो ये जो श्रीराम सेतु है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से इतिहास का हिस्सा है। लेकिन करुणा ने कहता है कि वाल्मीकि रामायण तो किसी कवि की कपोल कल्पना है, वाल्मीकि रामायण तो किसी कवि की कपोल कल्पना है, वो तो हाइपोथेसिस है, रियलिटी नहीं हो सकती। तो ठीक है, करुणा के लिए नहीं हो सकती, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए तो वो आधार ग्रंथ है भगवान श्री राम के बारे में। तो अब ब्रिटिश रिकॉर्ड कुछ इकट्ठे करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड ये कहते हैं, और हमारे देश में एक विदेशी लुटेरा आया था जिसका नाम था महमूद गजनबी, उसके साथ एक आया था, उसका दोस्त था, उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी इस इलाके में गया, 6 महीने रहा जहां पर श्रीराम सेतु है। तो उसने हिंदुस्तान के बारे में जो लिखा है अरबिक में, वो हिस्सा मैं आपको दिखाता अगर थोड़ा टाइम होता तो। वो कहता है कि ये इलाका जो है ये बहुत बड़े एक पानी के बांध से घिरा हुआ इलाका है, और इस बांध को यहाँ के लोग नल सेतु कहते हैं, नल सेतु, क्योंकि नल ने बनाया, नल सेतु कहते हैं। तो अल बरूनी कब आया है? 10वीं और 11वीं शताब्दी में, अर्थात 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस पुल को नल सेतु कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में आकर इसको राम सेतु कहना लोगों ने शुरू किया है, और उसके बाद सुनामी आई है और ये नीचे चला गया, ये ऊपर है। इसके पत्थर जिस तरह से जोड़े गए हैं उनका मटेरियल इतना पक्का है कि पानी लगने से वो और पक्का होता जाता है। बाद में ऐसे क्वालिटी का चूना बनता है जो हजारों हजारों साल और ज्यादा पक्का चला जाता है। तो वो मटेरियल से बना हुआ सेतु अब उस सर तोड़ने की बात कर रही है और कह रही है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि अंग्रेजों के एविडेंस है, वो हमने दे दिए, सरकार उनको मानती नहीं। वो कहती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लाओ। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाइल में मुझे हंसी आती है, गली गली मिलता है, और हर व्यक्ति लिमड़ा का दातन करे तो 22-25 लाख लोगों को दातन बेचने से रोजगार मिलता, पैसा तो बचता ही है कॉलगेट, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। माताओं बहनों से निवेदन है कि अमेरिकन कंपनी की क्रीम ना लगाएं, फेयर एंड लवली। आप बोलेंगे जी इसी से तो गोरापन आता है, फेयर एंड लवली को मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, काला काला है, गोरा गोरा। काला और गोरा होना डीएनए के साथ फिक्स होता है, क्रीम से फिक्स नहीं होता। तो आप ये फालतू में फेयर एंड लवली मत लगाइए, बड़ी महंगी है, 25 ग्राम 40 रुपए की है, 1600 रुपए किलो, 200 रुपए किलो काजू खाइए, 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते, 400 रुपए किलो बादाम खाइए, 1600 रुपए किलो की क्रीम क्यों लगाते। भाइयों को निवेदन है कि शेविंग क्रीम ना लगाएं अमेरिका की, पामोले, ये अमेरिकन शेविंग क्रीम। तो आप बोलेंगे जी दाढ़ी कैसे बनाएं, दूध से दाढ़ी बनेगी, थोड़ा दूध ले लीजिए चेहरे में लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है, 10 साल से मैं कर रहा हूं। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरे की चिकनाई बढ़ती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है, एक ब्लेड 8-10 बार दाढ़ी बना देता है। दूसरा फायदा है कि दूध से दाढ़ी बने तो दूध की बिक्री बढ़ती है, मुनाफा खेड़ों को मिलता है। तीसरा फायदा, दूध लगाओ तो क्लींजिंग एजेंट है दूध, चेहरे की गंदगी सारी निकाल देता है, तो चेहरा चमकता है, फोकट में स्मार्ट हो जाते हैं। मुफ्त में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, दूध से दाढ़ी बने। और आप सभी से विनती है कि दूध से भी नहाइए, दाढ़ी तो बनाइए, आप सब दूध से नहाइए, क्योंकि भारत में कहा जाता है दूधो नहाओ पूतो पन, कभी किसी ने नहीं कहा लक्स लगाओ पूतो पन या लाइफबॉय से नहाओ पूतो पन, दूध से ही नहाने पर कहा गया। दूध से नहाने का फायदा क्या है? दूध बहुत इस्तेमाल होता है नहाने में, 2-3 चम्मच उसको लगाइए, रगड़ लीजिए और पानी से नहा लीजिए, गंदगी निकल जाती है। दूध जो है ना सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है, सारे 5-स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग ही होता है, बस इतना ही है कि वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ। अगर ब्यूटी पार्लर मिल्क क्लींजिंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ना अपने घर में। मेरा एक ही कहना है, अमेरिकन साबुन नहीं बिके, अमेरिकन क्रीम ना बिके, अमेरिकन टूथपेस्ट ना बिके, और अंत में अमेरिका की दवा मत खाइए कोई भी। बहुत अमेरिकन कंपनियां यहाँ के दवाएं बेच रही हैं, जैसे विक्स, ये अमेरिकन कंपनी की दवा है, विक्स, बेनाड्रिल,
और अमेरिकन कंपनी की दवाएं हैं, एली लिली एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये सब दवाएं बेचने आए हैं धंधा करने, इनकी दवाओं पर कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि जो दवाएं वो यहां बेच रहे हैं वो दवाएं अमेरिका में बंद है 20 साल से, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको पॉइजन डिक्लेयर किया, वो दवाएं यहां पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आपको अमेरिका की सबसे खतरनाक जो दवा दी जा रही है आजकल वो हर्ट पेशेंट को दी जा रही है। आप में से किसी को भी भगवान न करे हर्ट अटैक आए, लेकिन आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आपको मालूम है एक एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग डाली जाती है आपके शरीर में, उसको स्टंट कहते हैं, ये अमेरिका से आता है, और ये स्टंट जो अमेरिका से आता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $3 के आसपास है, और यहां लाकर वो 2.5 लाख रुपए में बेचते हैं, ऐसे लूटते हैं। पर एक बार हार्ट अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरे में दूसरा, डॉक्टर को कमीशन है इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, आप मत कराइए। फिर आप बोलेंगे क्या करें, मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं ये बात एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूं, कभी भी स्टंट का ऑपरेशन आज तक किसी को सफल हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं। कारण क्या है, आपकी जिस वाहिका में स्टंट डाला जाता है नली में, वो स्टंट इतना बड़ा है, नली में यहां उन्होंने फिक्स कर दिया तो स्टंट के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाए और सेकंड हार्ट अटैक फिर आएगा, तो फिर वो कहेंगे दूसरा स्टंट लगवा लो, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लाखों रुपए लूट के ले जाए। तो आप बोलेंगे जी क्या करें, मेरा आपको विनम्र विनती है कि आपको कभी भी एंजियोप्लास्टी का खतरा हो तो आप ऑपरेशन तो मत कराओ। क्या करें फिर, जिंदगी बचानी है तो आप एक सरल उपाय करो, वो मेरा नहीं है, भारत देश के महान व्यक्ति का उपाय है, वो व्यक्ति का नाम था बाघभट्ट। उन्होंने 3500 साल पर लिखा एक पुस्तक में जिसका नाम है अष्टांग हृदय, और एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह, 7000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसका एक सूत्र है कि कभी भी हृदय घात अगर है, हृदय को घात हो रहा है, तो जान लीजिए कि रक्त में एसिडिटी बढ़ी हुई है। एसिडिटी समझते हैं, अम्लता। एक अम्लता होती है पेट की और एक होती है रक्त की। पेट की अम्लता बढ़े तो आपको आग जलेगी, पेट की एसिडिटी होगी, आप कहेंगे आग जल रही है, खट्टी खट्टी लकार आ रही है, मुंह से पानी आ रहा है, फिर और ज्यादा हो तो हाइपर एसिडिटी होगी। यही पेट की अम्लता जब रक्त में चली जाती है तो रक्त अम्लता होती है, और रक्त अम्लता में आए तभी हार्ट अटैक होता है, इसके बिना हार्ट अटैक होता नहीं। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज बहुत सरल है। इलाज क्या है, भारती जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता अगर बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, एल्केलाइन और एसिडिक। अभी अम्लीय और क्षारीय को मिलाएं तो क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाओ तो न्यूट्रल होता है कि नहीं। तो भागवती जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज खाओ तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी, माने हार्ट अटैक की जिंदगी में संभावना खत्म हो जाएगी, ये है कहानी। तो आप पूछोगे कि कौन सी क्षारीय चीज है जो हम खाएं, आपके रसोई घर में सवेरे से शाम तक इतनी चीजें हैं जो क्षारीय ही है, अगर उन्हीं को खाना शुरू करो तो हार्ट अटैक ना आए, और कभी आ जाए तो दोबारा आने का चांस ना। क्या क्षारीय चीज है, सबसे ज्यादा क्षारीय चीज आपके घर में है दूधी, दूधी है ना, सब्जी के रूप में आप खाते हैं, इससे ज्यादा क्षारीय कोई चीज ही नहीं, तो दूधी का रस पियो रोज निकाल निकाल, या कच्ची दूधी खाओ। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि नहीं दूधी रस पियो, दूधी का 3.25 लाख लोगों को ठीक कर दिया उन्होंने दूधी का रस पिला पिला, और उनमें हजारों डॉक्टर हैं जिनका खुद हार्ट अटैक होने वाला था, वो दूधी का रस पी पी के आते हैं, क्योंकि मैं हरिद्वार जाता हूं रामदेव जी के यहाँ, तो हजारों डॉक्टर इस देश के वहां जाते हैं, चुपचाप दूधी का रस पीते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने, आके फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं, वो बताते नहीं हम कहाँ गए थे, वो कहते हम न्यूयॉर्क गए थे, जर्मनी गए थे ऑपरेशन करने, वो रामदेव जी के वहां गए थे, वो 3 महीने दूधी का रस पी के आए हैं, हर्ष अटैक ठीक हो गया है, आके फिर ऑपरेशन पे लग गए हैं, और वो इतने हराम खोरे कि आपको नहीं बताते कि आप भी दूधी का रस पी, आप तो दूधी का रस पियो। इसको जो रामदेव जी कहते हैं ना, वो भी बाघभट्ट जी के ही आधार पर कहते हैं। बाघभट्ट जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की ताकत सबसे ज्यादा दूधी में है, तो दूधी का रस पियो। कितना पियो, रोज 200 मिलीग्राम पी लो,
कब पीना, सवेरे पी लो नाश्ते में, नाश्ते में नहीं तो भोजन के बाद पी लो, आधे घंटे के बाद पी लो। और दूधे के रस की और ज्यादा क्षारपन बढ़ाना हो तो दूसरी क्षारीय चीज हमारे घर में है, वो है तुलसी। तुलसी बहुत क्षारपन है तो तुलसी का रस मिला दो। और एक तीसरी चीज है, वो क्षारीय है, उसका नाम है पुदीना। पुदीने का रस उसमें मिला दो। और एक क्षारीय चीज है अपने घर में, काला नमक। और एक है सेंधा नमक। ये काला और सेंधा नमक क्षारीय है, लेकिन बाजार से जो आता है ना आयोडीन युक्त, ये अम्लीय है। ये आयोडीन युक्त नमक के चक्कर में मत फंसना, काला नमक खाओ नहीं तो सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ले लो, थोड़ा दूधी का रस ले लो, थोड़ा तुलसी का रस ले लो, पुदीने का रस ले लो, कोथिंबीर का रस भी क्षारीय है। ये सब क्षारीय मिला मिला के रोज पियो, 3 महीने में आपका ब्लॉकेज निकल जाएगा, अम्लता कम हो जाएगी, 2.5-3 लाख रुपए फालतू खर्च होने से बच जाएंगे, और जो बच जाए तो गौशाला को दान कर देना, तो गौशाला का भी फायदा है। डॉक्टर को देने से अच्छा गौशाला को दे। और एक दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि रक्त की अम्लता से अपने शरीर में 48 रोग आते हैं, 48। उसमें से पहले नंबर का रोग है जिसका नाम है हर्टअटैक। दूसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त की अम्लता का ही रोग है, उसका नाम है डायबिटीज। तीसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको आप कहते हैं पैरालिसिस। चौथे नंबर का एक रोग है, वो भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ऐसे 48 रोग हैं जो रक्त अम्लता से होते हैं। माने रक्त की अम्लता अगर ठीक हो तो 48 रोग ठीक हो जाए। और ये अम्लता ठीक करने के लिए दूधी आपके पास है, कोथम्बीर आपके पास है, पुदीना आपके पास है, काला नमक आपके पास है, सेंधा नमक आपके पास है। और बता दूं, आप में से कोई जैन है, ये उनके लिए नहीं है, अजैन लोगों के लिए बता दूं, गाजर बहुत क्षारी है। गाजर भरपेट गाजर खाओ, जब तक मिले खाओ, कद्दूकस में घिस घिस के खाओ, रक्त की अम्लता सबसे कम करती। मूली रक्त की अम्लता कम करती है, गाजर है, मूली है, चुकरकंद, बीट्स जिसको आप कहते हैं, ये बहुत रक्त की अम्लता को कम करता है। जमीन के नीचे जो कुछ भी होता है, शेंगदाना, मूंगफली, ये रक्त की अम्लता को कम करती है। गुड़, गुड़ रक्त की अम्लता को कम करता है। तो जितनी चीजें रक्त अम्लता को कम करती हैं, वो घर में हैं, इनको आप खाते रहोगे तो 48 बीमारियों से बचे रहोगे, फालतू की दवा खाने की जरूरत नहीं। अब एक दूसरी जानकारी कि रक्त की अम्लता से जो 48 रोग होते हैं, ऐसे उल्टा भी है, रक्त क्षारीय हो जाए तो भी लगभग 25-30 रोग होते हैं। तो आप बोलेंगे आप इसके लिए क्या करें, अगर रक्त क्षारीय हो गया है तो अम्ल की चीजें ज्यादा खाओ, अम्लीय चीजें ज्यादा खाओ। अम्लीय चीजें क्या है आपके पास, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, नींबू का रस, अनार का रस, ये सब अम्लीय चीजें हैं, इनको ज्यादा खाने लगो क्षारपन ठीक हो जाएगा, तो क्षारीयता की बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो आप बोलेंगे और क्या करें, 2-3 बातें और कर लो तो अच्छा है, मैं करता हूं वो आप भी कर लो। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा, ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापी, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए, और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मुझे, जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, आप भी वो गलती मत करो। आप बोलोगे जी हम क्या गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी कुछ गलतियां जो रोज हम करते हैं वो हम कर दो, बीमारी ही नहीं आएगी। मैंने वो बंद की है, जब से मैंने भागवत का अष्टांग हृदय पढ़ा तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बना लें। भागवत ने अष्टांग हृदय में 10 नियम कहे हैं, जो कोई भी पालन करे तो जिंदगी में बीमार ना हो। मैं वो नियम पालन करता हूं, आप भी करें, बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता। क्या नियम है भागवत ने सबसे पहला नियम बताया, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप, वो ये कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। उन्होंने संस्कृत में कहा भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत, भोजनांते माने भोजन अंत, विषम वारी, विष माने जहर, तो भोजन के अंत में पानी जहर जैसा है, ये है सूत्र। तो भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप बोलेंगे जी कब तक ना पिए, 1.5 घंटे तक मत पियो, उसके बाद पी लो। तो आप कहेंगे बड़ी मुश्किल बात है, 1.5 घंटे कैसे रहे बिना पानी के। तो भागवत जी कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना है तो छाछ पी लो, और कुछ पीना है तो दूध पी लो, और कुछ पीना है तो कोई फल का रस पी लो, जूस, पानी 1.5 घंटे बाद पी। अब तो चल जाएगा,
खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो जूस पी लो, गिलास भर के, दो गिलास भर के। जूस कौन सा पिए, जो सबसे सस्ता मिलता हो जिस सीजन में, सबसे सस्ता। सबसे सस्ते से मतलब है ज्यादा उत्पाद होगा तभी सबसे सस्ता होगा। आजकल जो सबसे सस्ता जूस है वो शेरडी का है, गन्ने का पियो। जब भी खाना खाओ गन्ने का रस पी लो, और थोड़े दिन के बाद संतरे का रस आ जाएगा, फिर द्राक्ष का आ जाएगा, अंगूर का आ जाएगा। तो जो रस मिलते हैं बाजार में या सीजन के फल हैं वो रस पियो खाने के तुरंत बाद, या तो छाछ पियो नहीं तो दूध पियो। रस पीने का तरीका है सवेरे पीना, छाछ पीने का है दोपहर पीना, दूध पीने का रात को पीना। खाने के तुरंत बाद दूध पीना है, छाछ पीना, रस पीना है। सुबह खाना खाया तो जूस पीना, दोपहर खाया तो छाछ, रात को तो दूध। अगर पानी पीना है तो डेढ़ घंटे बाद ही पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है खाने का पाचन होने के लिए। उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर एक स्थान है जहां पर भोजन जाता है, वहां अग्नि जलती है, जठर अग्नि। इस अग्नि को जलने में डेढ़ घंटा लगता है। तो जब तक अग्नि जल रही है पानी मत पियो, अगर पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जिनके नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए। इसलिए भागवत कहते हैं खाने के बाद पानी मत पियो। कर सकते आसान है, स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आसान नियम है। दूसरा नियम है भागवत जी का, वो ये कहते हैं कि पानी जब भी पियो घूट घूट करके पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो, गड़गड़ 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 पानी मत पियो। एक सिप पिया, दूसरा सिप, तीसरा सिप, क्यों पीना भाई? कारण ये है कि मुंह में बनती है लार, स्लाइवा, ये होती है छारी है। पेट में बनता है अम्ल जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो मुंह की लार और पेट का अम्ल दोनों मिले तो हो जाएगा न्यूट्रल। ये क्षार है, ये अम्ल है, तो पेट हमेशा न्यूट्रल रहे तो बार बार लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी अगर घूट घूट पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, इसलिए भागवत कहते हैं पानी हमेशा घूट घूट पिए। ये पक्षी है ना, सब ऐसे ही पानी पीते, चिड़िया देखो पानी पीती है, एक ड्रॉप उठाएगी पानी का, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर पिएगी। भागवत की पक्की चेली है सारी चिड़िया, बिना किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है। आप इतने बड़े होशियार लोग हैं आपको ये नहीं मालूम कुत्ता कैसे पानी पीता चाट चाट के। भागवत का चेला है ये कुत्ता। हाँ, सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते। गाय को देखो, पहले पानी को मुंह में भरेगी, फिर थोड़ी देर रोकेगी, फिर पिएगी ताकि लार अंदर जाए। तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं होशियार। तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो, दूसरा नियम। तीसरा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो। ठंडा पानी उन्होंने कैसे लिखा, ये नहीं लिखा ठंडा पानी मत पियो, उन्होंने लिखा है शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी मत पियो, पानी ठंडा पानी मत पियो। अब ठंडा पानी से मतलब फ्रिज का पानी मत पियो, बर्फ डाला हुआ पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? मैंने इसका देखा एक्सपेरिमेंट करके कई मरीजों पर, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना उनकी लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर में है, तो ज्यादा ठंडा पानी पियो तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ऐसी होती है, ठंडा पानी पीते ही ऐसे होती है। और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है, फिर रोज पीते रहे तो ये परमानेंट ऐसे हो जाए। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब संडास घर में जाएंगे तो पोट साफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये संकुचित है। दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, अमेरिकन यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी फ्रिज में रखेंगे ऊपर से बर्फ डालेंगे फिर पी। और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोगों को मैंने देखा सवेरे टॉयलेट रूम में जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर नहीं आते, कभी कभी दो दो घंटे बैठे रहते। पूछो भैया क्या कर रहे हो दो घंटे टॉयलेट रूम में? कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे हो? न्यूज पेपर के लिए टॉयलेट रूम है? कहते उतरती नहीं संडास, क्या करें, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। कभी समस्या इतनी भयंकर होती है कि वो इंतजार में गाना गाने लगते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं करे क्या। और उससे भी बड़ी समस्या हो जाना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, आती नहीं करे कर। बड़ी समस्या है ये अमेरिकन और यूरोपियंस में। आप ये समस्या अपने शरीर में मत लाओ, माने कब्जियात मत होने दो, कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, माने ठंडा पानी मत पियो। पानी फिर कैसा पिए? हल्का गर्म पानी पीते रहो, अगर जैन है तो बहुत अच्छा, अजैन है तो भी पानी पक्का हुआ माने गर्म किया हुआ पानी ही पियो।
थोड़ा गुनगुना रहे तो बहुत ही अच्छा। और चौथा सूत्र है, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, चाय से पहले पानी पियो। कितना पिए, 3 गिलास पी लो, बिना प्यास के पी लो, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट भर के पी लो। क्यों, रात भर आप सोए, मुंह में जो लार बनी है ये बहुत कीमती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम। पांचवा नियम है, खाने को चबा चबा के खाओ, इतनी बार चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं मेरे तो, अब क्या करें। तो मसूड़े है ना, वो दांत के जैसे ही हो जाते हैं, अगर दांत निकल गए तो मसूड़े दांत के जैसे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ, तो खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। छठा नियम है, कभी भी खड़े होके खाना मत खाओ। 2 पाए आदमी के लिए खड़े होके खाना वर्जित है, 4 पाए के लिए ठीक है, माने जानवर खड़े होके खाए तो ठीक है। बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम है, बुफे सिस्टम में खाना मत खाइए, खड़े खड़े मत खाइए, खाना प्लेट में लेके जमीन पे बैठ के खाइए। आप बोलेंगे जी शादी में गए हैं तो क्या, एक प्लेट में खाना लेके कहीं बैठ के खाइए तो आपके लिए दूसरे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, वो मूर्ख है इसलिए हंस रहे हैं, मूर्ख लोग बहुत बार हंसते। आप जमीन पर बैठ के खाने लगेंगे, वो भी आपकी नकल देख के करने लगेंगे। तो आप बोलेंगे जी घर में तो डाइनिंग टेबल है, क्या करें, बेच दो इसको और क्या करें, कचरा सब घर में थोड़ी रखा जाता है। आपने कबाड़ कहीं से लाया और घर में सजा लिया तो अब कबाड़ तो कबाड़ ही है ना, वो हीरा सोना पन्ना तो नहीं होने वाला। और डाइनिंग टेबल कितने इलाके में आपने रख के कितना एरिया घेर रखा है जरा सोचो, बापी में 1 स्क्वायर फीट कितने का है, 3,000 का, 4,000, 4,000 रुपए स्क्वायर फीट के एरिया को आपने डाइनिंग टेबल से घेर के रखा है जो बिना किसी काम का। सोचो दुनिया, बुद्धि लगाओ ना, कुछ व्यापारी बुद्धि लगाओ, इतना एरिया कवर करके रखा, इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा, बैठने में ही काम आएगा। तो आप बोलेंगे अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल, अब क्या कर सकते हैं, तो मेरी बात मानो, उसके पांव काट दो डाइनिंग टेबल से तो तुरंत नीचा हो जाएगा, उसको पटरे की तरह से इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ के उस पे थाली रख के। जो आप बोलो घुटने नहीं मोड़ते, बैठे कैसे, कुर्सी तो चाहिए, तो कुर्सी पर बैठकर अगर खाना खाना है तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं, भागवत जी ने वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे सुखासन में बैठते, आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर खाना खाओ। खाना खाते समय महत्व की बात है जो जाननी चाहिए, वो ये कि हमारी जो नाभि है ना, इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए नाभि पर। ये तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे हो, खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायग्राम पे आता है। नाभि पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो नाभि एकदम सेट रहती है, और खाना खाते समय नाभि सेट रहे तो जठर अग्नि सबसे जास्ती प्रदीप्त है, इसलिए बैठकर खाना अच्छा है। फिर सातवां नियम है कि कभी भी आप खाना खाएं तो 2 चीजें एक साथ ऐसी मत खाना जो एक दूसरे के विरोधी है, जैसे दूध और दही कभी साथ में नहीं खाना, उड़द की दाल और दही कभी साथ में मत खाना, 2 टूटने वाली 2 दाल जिनको द्विदल कहते हैं उनको दही के साथ मत खाना, खाना ही हो तो दही को गर्म कर लेना फिर खाना। कभी भी कांदा माने प्याज और दूध साथ में नहीं खाना, कभी भी खट्टे फल संतरा मौसमी इनको दूध के साथ मत खाना, ये विरोधी चीजें हैं। बागवत ने एक लंबी सूची बनाई है, 103 वस्तुएं हैं जिनको एक साथ ना खाएं तो आपकी जिंदगी में रोग आने ही वाले नहीं। और एक छोटी सी आखिरी बात, दोपहर का खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति जरूर लें, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें। दोपहर के खाने के बाद विश्रांति लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करवट रख के सोए, ये राइट ऊपर रहे लेफ्ट, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा वजन भी बढ़ेगा। दोपहर को खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में सोए, और रात को जब सोए तो 2 घंटे बाद सोए खाने के बाद। और सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि सिर ज्यादा से ज्यादा पूर्व में रहे, सूर्य की दिशा में रहे, या कोई बहुत इमरजेंसी हो तो दक्षिण में रहे, उत्तर और पश्चिम में सिर करके कभी भी ना सोए। ये 10 नियम हैं, मैं पालन करता हूं, आप भी करो। मैं बीमार नहीं हुआ 10 साल से, आप भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। और जो थोड़ी बहुत बीमारी आज है, आप ये नियम ईमानदारी से कल से शुरू कर दो, 3 महीने बाद आप खुद बताना आपकी बीमारी बिना दवा के पोकट में ही ठीक हो रही है तुम्हें।
एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये अपने आप जाए। इसलिए मेरा टारगेट है अमेरिका की दवा नहीं बिके, इससे एक दवा उसकी ना बिके, ये तभी संभव है जहां आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। हमारे यहाँ से ना सर्वे भवन सुखिने, सर्वे संत निरामया, ये सुखी तब होंगे जब निरोगी होंगे, निरामय। निरोगी हुए बिना कोई सुख नहीं है दुनिया का। करोड़ों रुपए हो और रोग ही रोग है, कोई सुख नहीं है। एक पैसा नहीं है आपके पास लेकिन शरीर के रोग नहीं है, आप बहुत सुखी। सुख जो है शरीर में से उपजता है मन बुद्धि के कर्म के आधार पर। पैसे से सुख नहीं खरीदा जाता और ना कहीं मिलता है। तो आपके अंदर से उपजे संतुष्टि है तो सुखी होगी, और संतुष्टि होने का एक ही आधार है निरोगी रहें। तो मेरे दो उद्देश्य हैं, अमेरिका को पैसा ना जाए, उनकी दवा ना बिके, आप सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और घर में रसोई है ना, इसमें सैकड़ों दवाएं हैं, उनका उपयोग कर लो ना। मैंने दही बताया, मैंने आपको धनिया, पुदीना, ये सब छारी है, ऐसे ही अम्लीय दवाएं हैं। कुछ दवाएं जो बहुत कॉमन है, जो आप रोज इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा। एक हमारे रसोई में दवा है जिसको अजवाइन कहते हैं, अजवाइन, गुजराती में अजमो कहते हैं, अजमो। ये बहुत ही अद्भुत है, किसी को भी एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, अजवाइन को भून लो तवे पे, थोड़ा काले नमक के साथ फंकी ले लो, 3 दिन में ही एसिडिटी खत्म कर। और यही अजवाइन बहुत अच्छी है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्जियत हो, तो गुड़ के साथ अजवाइन खा लो, एक ही दिन में कॉन्स्टिपेशन रिलीज कर। ऐसे अजवाइन के जैसा जीरा है, वो भी आपके पेट की एसिडिटी को कम करेगा। आपके घर में नमक बदल दो आप, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाएगी। कौन सा नमक खाएं, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, ये आयोडीन युक्त नमक बंद कर दो, तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास साधारण साधारण सी हैं, इनका आप उपयोग कर लो, बीमारियों से बच लो, दवाओं के पैसे कम हो जाए खर्च होना, देश की सुरक्षा बढ़ जाए उससे, और देश का बहुत ज्यादा लोगों का सुख और समृद्धि बढ़ जाए, ऐसी मेरी भावना है। शुरू हुआ वहां से और अंत यहाँ पर है। जीवन को थोड़ा सरल, आसान, हिंदुस्तानी, स्वदेशी, भारतीय बनाओ। पहले भी मैं 10 साल पहले आया था यही बोल के गया था, बी इंडियन बाय इंडियन। बी इंडियन का माने भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करो। अब भारतीय वस्तुएं क्या है? भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज माने औषधि, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करो। विदेशी भूषा माने विदेशी कपड़े, विदेशी भोजन माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन मत खाओ, हिंदुस्तानी भोजन ज्यादा करो। विदेशी भजन जो विदेशी गाने हैं मत गुनाओ, मत गाओ, मत सुनो, स्वदेशी गाने गाओ, स्वदेशी भजन सुनो। जितना बने उतना आप करो तो देश अपने आप करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, महाजन येन गता से पंथा, माने जिस रास्ते बड़े लोग चल पड़ते हैं ना, समाज के बाकी लोग उसी तरफ चलने लगते हैं। आप सब महाजन लोग हैं माने श्रेष्ठ लोग हैं, आप इस रास्ते चलेंगे नीचे वाले अपने आप चलेंगे। मैंने मुंबई में देखा करोड़पति लोग जब से लिमड़ा का दातन करने लगे, रोडपति लोगों ने भी दातन शुरू कर दिया, और मुंबई में हर साल दातन की बिक्री बढ़ रही है, कॉलगेट की बिक्री घट रही है। लाखों लोग रोजगार पाते हैं मुंबई में जो दातन बेचते हैं सड़क पर या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर सकते हैं, हमारे सामने ये है आदर्श है, देश को खतरे से बचाना है, और आपकी वही भूमिका है जो सैनिकों की होती है। सैनिक सीमा पर खड़े होकर शत्रु से देश की रक्षा कर रहे हैं, आप देश के अंदर रहकर जो शत्रु आ रहा है उसके देश की रक्षा करें। ऐसी भावना के साथ आपका आभार, आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत आभारी हूँ। दूसरों को ये बताएंगे और भी आभारी रहूंगा। ये जितनी बातें मैंने कही हैं दवाओं की, औषधियों की, ये किताबें भी लिखी हुई हैं, पीछे है आप ले लेना, हमारा कार्यकर्ता नीलप्पा उसके पास किताबें हैं, रसोई घर की सारी दवाएं औषधियां उन किताबों में, किससे क्या होता है, किससे क्या होता है। अष्टांग हृदय के जो 10 सूत्र दिए उनके और ज्यादा सूत्र पढ़ने हो तो वो भी किताब है। अपने शरीर को जितनी भी बीमारियां होती हैं चर्म रोग की कैसे दूर करें घर की दवाओं से, वो भी किताबें हैं, आप ले जाइए। कभी भी मैंने किसी किताब पर कॉपीराइट नहीं माना है, आज भी कहता हूँ कोई पुस्तक पर कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम निकालकर अपना छपा लेना, अपने नाम से किताबें बना लेना, मैं कभी मुकदमा लड़ने आपके खिलाफ नहीं आऊंगा। और जो कुछ मैंने बोला है इसकी सीडी भी है, पहले तो कैसेट थी अभी सीडी है,
40 घंटे की ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी, आप ले जाइए, कॉपी कर करके लोगों को बताइए, ताकि ये विचार जल्दी से फैले और लोगों तक ये दूर तक पहुंचे। तो शायद चेतना ज्यादा हो और चेतना बढ़ेगी तो देश जरूर बेहतर होने वाला है, आजादी बचने वाली है, सभ्यता और संस्कृति रहने वाली है। भारत देश के बारे में एक विशेष बात मुझे महसूस होती है, वो ये कि दुनिया का ये विशिष्ट देश है। विशिष्टता क्या है? 1000 साल विदेशी हमले इस देश पर हुए, किसी देश पर नहीं हुए, फिर भी ये देश जीवित है, इसकी सभ्यता अभी बची हुई है, संस्कृति बची हुई, वरना दुनिया के देश कब के मिट गए और खत्म हो गए। हम अभी भी बचे क्योंकि हमारे पास धर्म का आधार है, संस्कृति का आधार है, सभ्यता का। आगे भी ये देश बचेगा क्योंकि पहले भी ये देश बचा है धर्म और संस्कृति की ताकत से, आगे भी बचेगा, आप सब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, यही मेरी आपसे निवेदन है। ये पूरा अभियान देश भर में मैं चलाता हूँ, इसके लिए फंड इकट्ठे करने के लिए खादी में बनाता हूँ, हमारे कार्यकर्ता बनाते हैं, खादी की बिक्री से कुछ पैसा आता है तो ये अभियान चलता है। हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई कुछ खादी है, आप खरीदेंगे तो मुझे थोड़े से फंड्स मिलेंगे, पुस्तकें और सीडी खरीदेंगे तो आप कॉपी करके दूसरों को देंगे, उनको लाभ होगा, खादी खरीदेंगे तो थोड़ा मुझे भी लाभ होगा क्योंकि हमारे काम के लिए थोड़ा पैसा उससे हम जुटाते हैं। 100 रुपए की खादी आपने ली तो 15 रुपए उसमें से हमें मिलेगा। पूरे साल में हम कुछ लाख रुपए की खादी बेचकर जो फंड इकट्ठा कर पाते उसी से ये काम चलाते। आगे कुछ बड़ा काम करने की इच्छा है, जैसे भरत भाई ने कहा एक टीवी चैनल मुझे शुरू करना है, क्योंकि ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए, ये टिप्स ऑफ द आइस लगे ऐसे हजारों हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। फिर वो टीवी पर आए, उसके लिए चैनल चलाना है, उसके लिए कुछ फंड इकट्ठे करने हैं, काम में लगा हूँ। जिस दिन होगा ये व्यवस्था उस दिन चैनल भी शुरू होगा, अखबार भी चलेगा, मैगजीन भी निकलेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि ये देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। भूतकाल में ये देश सोने की चिड़िया था, भविष्य में भी सोने की चिड़िया बनाना है, वर्तमान इसका सुधारना है, बदलना है, तो उसी काम में लगा हूँ। आप सब भी मेरे सहयोगी बनेंगे तो अच्छा होगा। भरत भाई ने मुझे आज सुबह प्रस्ताव दिया कि आप एक भारत कथा कहिए जिसमें ये सारे दस्तावेज एक बार लोगों के सामने आए। आप चाहें तो 6-7 दिन की यहीं पर आयोजित हो सकती है। मेरा एक फायदा उसमें हो जाएगा कि उसकी सीडी बन जाएगी तो भारत के करोड़ों लोगों तक मिल जाएगी। आपका ये फायदा होगा कि वो दस्तावेज आप स्क्रीन पर इसी तरह से देख पाएंगे। चाहे तो आयोजन करिए, नहीं तो कहीं कोई दूसरा शहर करेगा। आभार, धन्यवाद। क्या हो रहा है? मेरा सबसे पहला निवेदन है कि भारत की उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, ताकि भारत का जो पैसा है विदेश में। दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत के लिए खतरे पैदा हुए सुरक्षा के स्तर पर एक खतरा पैसा है आतंकवादियों से, उग्रवादियों से। तो इन सब लोगों से कुछ रक्षण बना के इनको कॉन्फिडेंस में लेके, और वो कहते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए, वो मैं उनको वायदा करके फिर वो निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स। भारत की संसद में से जो डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं वो एमपीज लोगों की मदद से निकलते हैं, क्योंकि मैं तो संसद में जा नहीं सकता, तो एमपी हैं बहुत सारे जो मेरे परिचित हैं, जो मुझसे सहानुभूति रखते हैं, वो कहते हैं हम आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में से ये निकाल के आपको दे जाए फोटो कॉपी करा के। तो कई एमपी यहाँ से देते हैं, और ये जो आर्काइव्स हैं इनमें से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए उनके जो बहुत हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर हैं उनसे कदम बढ़ाने पड़ते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि मैं इनका मिसयूज नहीं करूंगा, जब भी इनका इस्तेमाल होगा देश के हित में ही होगा, पर्सनल इंटरेस्ट में मैं इनका कभी उपयोग नहीं करूंगा। तो कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो देते हैं, ऐसे करते ही डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह से निकल जाए, फिर इनको छांटना पड़ता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरह का रॉ मटेरियल है। जैसे रॉ मटेरियल आपके घर में है ना, बैंगन है, अब बैंगन रॉ मटेरियल है, अब इसको भाजी बनाना है तो तरह से उसको संवारना पड़ता है, फिर उसमें मसाले डालने पड़ते हैं, फिर उबालना पड़ता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है, ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। लेकिन जब आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ तो इस पर बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो हमारा समाज है, आप जैसे लोगों का समाज, ये थोड़ा रैशनल है। रैशनल जो सोसाइटी होती है ना, वो जल्दी किसी चीज पे विश्वास नहीं करती, और थोड़े हम लॉजिक में ज्यादा चले गए हैं। रैशनैलिटी और लॉजिक, ये दो हमारे यहाँ पिछले साल में बड़ा है, पढ़े लिखे लोग
बिना लॉजिक के कोई बात हम मानेंगे नहीं और बिना रैशनल के कोई बात स्वीकार करेंगे, इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ता है। वरना साधारण हिंदुस्तानी जो है ना, सड़क पर ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो कहता है आप ये क्यों इतनी मगजमारी करते हैं, हम तो आपकी सब बात मानते हैं, आप जो कहते हैं वो ही सही है, जो साधारण खेलूत है, साधारण भाजी बेचने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ आप कैसे मानते हो मेरी सब बातें सही है, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ कहते नहीं, जो आप अपने लिए कहते तो हम मानते कि ये गलत है। तो साधारण आदमी इस देश का इतना भोला और सीधा है कि वो कहता आपने जो कहा सब सही है। पेप्सी कोला के बारे में मैंने कहा कि ये जहर है, तो उसने मान ही लिया कि जहर है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रूफ करके देना पड़ा कि वो जहर है, और उसमें 6 साल लग गए, एक लेबोरेटरी रिपोर्ट, फिर दूसरी लेबोरेटरी, फिर तीसरी लेबोरेटरी, लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो सुनीता नारायण रिपोर्ट थी, जो आपने देखी होगी टीवी पर, उसके पहले 5 रिपोर्ट आ चुकी थी। तो ये है, अब इससे तो बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं करता हूँ कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है और उसको ये डॉक्यूमेंट से थोड़ी भी सेंसिटिविटी आती है तो मेरा काम सार्थक होता है, और उनका सेंसिटिविटी देश के लिए बड़ा काम कर सकती है। आप में से कोई एक व्यक्ति अगर सेंसिटाइज होता है तो वो देश के लिए संपत्ति बन जाता है, वो दूसरा राज्य विकसित हो सकता है। वो डिग्री का फर्क होगा, वो 1 डिग्री का हो सकता है, मैं 100 डिग्री का हूँ, वो 2 डिग्री का हो सकता है, मैं 100 डिग्री का अंतर है, लेकिन वो उतना ही सेंसिटाइज हो सकता है जितना मैं हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक ही काम करती है ताकत, कि दूसरे को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं क्या, कन्विंस कर सकते हैं क्या। अगर वो काम हो पाया तो इसकी बहुत बड़ी सार्थकता है, और नहीं हो पाया तो ये कागज का टुकड़ा है, कोई इसका महत्व नहीं, आप इसको जला के फेंक भी सकते हैं। वैसे कि जो एक 800% और 1% दूसरा कोई भी राजनीतिक बन सकता है, तो हमें ये जानना है कि आप वो ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जैसा चालू कर रहे हैं कि जिसमें ऐसी कुछ ट्रेनिंग है, और पूरे भारतवर्ष में बहुत से लोग इस काम में जुटे, और जल्दी से जल्दी आपके जो आप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को विस्तृत पहुंचा सके। इनका ये प्रश्न है, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि मैं अभी तक तो जो करता था उसमें हमारा कोई ऑफिस भी नहीं था, और ये काम ऐसे ही होता था। वो कैसे होता था कि वर्धा में सेवाग्राम नाम का एक गाँव है, वर्धा जिले में, वो गाँव में गांधी जी का बनाया हुआ एक आश्रम है, 1936 में कभी बनाया था। उस आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिला हुआ था, क्योंकि मैं उस आश्रम के ट्रस्टियों के काफी नजदीक हूँ। उन्होंने कहा था ठीक है तुम इस आश्रम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आश्रम की बिल्डिंग का एक हिस्सा, मैंने करीब समझ लो आप 200 या 250 स्क्वायर फीट का, इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा हिस्सा मिला हुआ था, तो उसी को मैं ऑफिस जैसा मानता था। लेकिन थोड़े दिन में उस आश्रम में प्रॉब्लम आ गई। आश्रम में क्या प्रॉब्लम आई कि सोनिया गांधी ने उस आश्रम को 11 लाख रुपए दान किए पर्सनल अकाउंट से, तो मैंने आश्रम के लोगों के सामने बहुत विरोध किया इसका। तो उन्होंने कहा तुम क्यों विरोध कर रहे हो, सोनिया गांधी अगर आश्रम को अच्छा करने के लिए पैसा दे रही है, तो मैंने कहा गांधी जी की आत्मा की आप हत्या करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने बिरला जी का पैसा नहीं लिया इस आश्रम में। आप जानते हैं कहानी, आश्रम को जब बनाने की बात आई थी तो बिरला जी ने चेकबुक गांधी जी के सामने रखी कि अब बापू जितना अमाउंट है भर लो, तो गांधी जी ने कहा कि बिरला ये तुम्हारे पैसे से नहीं बनेगा आश्रम, तो किसके पैसे से बनेगा, तो कांग्रेस के जो 25-25 पैसे देने वाले मेंबर हैं उनके पैसे से बनेगा। चमड़ी मेंबरशिप शुरू किया था गांधी जी, तो 25-25 पैसे में से 500 रुपए इकट्ठे किए गांधी जी ने, उसमें वो आश्रम बना। तो मैंने कहा गांधी जी ने जिस उद्देश्य और भावना से ये बनाया, उसमें 11 लाख रुपए आपने अगर सोनिया गांधी से ले लिया, जिसका कुछ पता नहीं है कि वो 11 लाख कहाँ से आया, हो सकता है वो अमेरिका से आया हो, या ये के चैनल के थ्रू आया हो सकता है वो ISI का पैसा हो जो किसी चैनल से इस आश्रम में आए, तो यहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो मैंने विरोध किया, तो आश्रम वालों को खराब लगा, तो मैंने सोच लिया कि अभी यहाँ अपना ऑफिस नहीं रखना। फिर अपना ऑफिस बनाने के लिए जैसा आपने कहा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम शुरू किया, अभी ईश्वर की कृपा से वो इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बन गई है, 10% काम उसमें बाकी है, 7,500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हुआ है, 2 माले की बिल्डिंग है, आश्रम से बिल्कुल नजदीक में है, और वो भी बिल्डिंग मैंने ऐसे ही बनाई है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500, ऐसा करके वो बिल्डिंग बनी है। अभी शायद वो अप्रैल 6 तारीख तक पूरी हो जाएगी, 6 अप्रैल को गुड़ी पड़वा आती है, आप जानते हैं भारत का नया साल शुरू होता है, उसी दिन से वो बिल्डिंग का ओपनिंग हो जाएगा।
और उस दिन से लगातार मैं उस बिल्डिंग में कुछ शिविर करूंगा, और वो शिविर इसी बात के लिए करूंगा कि कुछ दूसरे राजीव दीक्षित तैयार हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ा है, जाना है, सीखा है, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, इसके आधार पर कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। उसमें कुछ गुजराती भी होंगे, कुछ मराठी होंगे, कुछ कन्नड़, कुछ तेलुगु, कुछ तमिल, कुछ मलयाली, वो आएंगे, रहेंगे 15 दिन के शिविर, 20 दिन के शिविर, 7 महीने के, ऐसे कुछ मैं शिविर करूंगा, उनको तैयार करूंगा। मेरी योजना है कि अगले साल में या 1.5 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में ऐसे 100 से 150 राजीव दीक्षित बन जाए, कुछ गुजराती, कुछ मराठी, कुछ कन्नड़, और वो अपने काम पे लग जाए, गांव-गांव इस तरह से जाना, लोगों से ये सब बातें करना, वो मेरी तैयारी है, वो मेरी कोशिश है। अब इसमें अगर 150 नहीं हुए तो 100 तो हो ही जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, और उनका सिलेक्शन भी मैंने करना शुरू किया है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें लगेंगे। तो उनका एक ही क्राइटेरिया मैंने रखा है कि जो अगले 15-20 साल तक काम कर सके बिना किसी दबाव के, ऐसे लोग मुझे चाहिए। अब दबाव कई तरह के हैं, जैसे परिवार का दबाव है, तो ऐसे मुझे कार्यकर्ता चाहिए जिनके परिवार का दबाव ना हो, माने अविवाहित हैं और 15 साल देश को देने के लिए तैयार हैं। कोई 15 साल नहीं देगा तो 10 साल देश को देने के लिए तैयार हैं, माने 20-22 साल की उम्र में हो और कहेंगे ठीक है 10 साल हम देश के लिए देंगे, आप जो चाहो हम वो करेंगे, 32-33 साल के बाद अपना परिवार बसाएंगे, फिर सामान्य जिंदगी जिएंगे, ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की खोज में मैं लगा हूँ। और ऐसे कार्यकर्ता भी चाहिए मुझे कि जो पैसे से इतने समर्थ हों जिनको भुखमरी की समस्या ना हो, क्योंकि वो आएंगे और देश के लिए काम करेंगे, तो कोई मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं उनका स्टाइपेंड दे सकूं या मानधन दे सकूं, तो मैं ये जरूर देख लूंगा कि उनके परिवार में इतनी संपत्ति और धन जरूर हो कि वो उस बेटे या बेटी को 10 साल के लिए स्पेयर कर सके, या तो खेती हो, या तो कोई बिजनेस हो, या तो कोई इंडस्ट्री उनकी चलती हो। तो ऐसे मुझे समृद्धशाली और परिवार के दबाव से मुक्त 100-150 लोग चाहिए अलग अलग भाषाओं में, आपको कोई मिले तो हमें दीजिए। तो इसमें आपके कोई स्पेशल कमेंट्स भी है? मेरा एक ही कमेंट है कि आप में से कोई भी अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं, माने इन्वेस्ट कर रखा हो, तो 3 से 4 महीने में उसको बेचकर आप निकल आइए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने जा रही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इतना सारा डॉलर पंप किया हुआ है जो पूरा आर्टिफिशियल और टोटली इन्फ्लेशनरी लेवल पे है, रियलिटी में शेयर मार्केट का ये ग्रोथ नहीं है जो 21,000 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट में जो विदेशी डॉलर इस समय आया है वो एक ही कारण से आया है कि डॉलर पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं लगातार टूट रहा है, और ये विड्रॉ करेंगे जब डॉलर और टूटेगा, अभी तो 38 रुपए है या 39 रुपए, अभी आप देखना 2-3 महीने में ये 30 रुपए के आसपास आ जाएगा। सरकार कितना भी ताकत लगाए इसको रोकने की, कारण मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि दुनिया में तेल बेचने वाले देशों ने सद्दाम हुसैन की बात उसके मरने के बाद मान लिया, जब तक जिंदा था कोई नहीं माना, अब मरने के बाद उनको समझ में आ गया। 53 तेल बेचने वाले देश है जिनको ओपेक कंट्रीज कहा जाता है, इनका एक जनरल मीटिंग अभी हो गया सऊदी अरब में जिद्दा में, उन्होंने तय कर लिया है कि हम अप्रैल या मई तक डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे, अप्रैल या मई तक 15 अप्रैल का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है, जो 15 अप्रैल तक दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो वो डॉलर तेल बेचना बंद कर देंगे, वो कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में या तो तेल बेचेंगे नहीं तो यूरो डॉलर में बेचेंगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन डॉलर को जमीन पे गिरने से कोई नहीं बचा सकता, इशू भी आ जाए तो नहीं बचा सकता, ईसा मसीह भी उतर आए जमीन पे और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो भी डॉलर टूटने से वो नहीं बचा पाए, और इतना बुरी तरह से अगर डॉलर क्रैश हुआ तो ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर ये सभी उड़नछू होंगे यहाँ से, और ये उड़नछू होंगे तो मार्केट तो क्रैश होते हैं, 21,000 पॉइंट का 7,000 पॉइंट भी आ सकता है, और आप लोग फिर डूबे उसमें क्योंकि आप जैसे लोग ही डूबते हैं। मैंने किसी बड़े शेयर ब्रोकर को आज तक डूबते नहीं देखा, जो डूबता है वो इन्वेस्टर है और छोटा इन्वेस्टर जल्दी डूबता है, तो आपने अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है तो तुरंत निकाल लीजिए, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कैश करके निकल जाइए, 21,000 पॉइंट से ज्यादा और आपको क्या चाहिए, काफी कुछ इसमें आपको गेन हो चुका होगा, 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा हो तो आज 5,000 का तो हो ही गया होगा, तो बेच बाच के निकल आइए। फिर आप बोले पैसे का क्या करें, पैसे को बैंक में मत रखना क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डूबेगा पूरी तरह से,
तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आ जाए तो सोना खरीद के रख लेना, क्योंकि सोना ही है जिसका भाव अगले 3 साल 4 साल चढ़ना ही है, क्योंकि जब दुनिया में डॉलर टूटेगा तो सब लोग डॉलर बेच के सोना ही खरीद रहे हैं। तो सोना जितना उपलब्ध है उसमें उपलब्धता और कम होगी तो मार्केट में भाव बढ़ने में, तो सोना हो सकता है 20,000 रुपए का 10 ग्राम हो जाए, 25,000 का 10 ग्राम हो जाए, तो सोना खरीद के आप रख लीजिए, चांदी खरीद के रख लीजिए, प्लेटिनम खरीद के रख लीजिए, प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करें, और जो जमीन मिलती हो कहीं भी 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ तुरंत खरीद लीजिए, जहां भी मिले भारत के किसी छोटे से छोटे गांव में मिले वहां लीजिए। ये मत देखिए कि वो जमीन पत्थर वाली है कि मिट्टी वाली, पत्थर वाली मिले वो ही ले लीजिए, क्योंकि ये पत्थर वाली जमीन साल भर के बाद मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि भारत में यही होगा। जिन्होंने भी डॉलर रखे हुए हैं वो या तो जमीनें खरीदेंगे या तो सोना, सोने की एक लिमिट है उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे तो जमीन पे जाएंगे। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आपकी कीमत आपको वसूल हो जाएगी, या तो सोने चांदी में लगाया हुआ पैसा वसूल हो जाएगा। शेयर मार्केट का बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये मई में इसलिए टूटने की दो संभावना, एक तो मुझे दिख रहा है सरकार गिरने जा रही है भारत की, मनमोहन सिंह गिर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं लगेंगे, और दूसरा ये ओपेक कंट्रीज अपना तेल नहीं बेचेंगे डॉलर में, तो ये दोनों कारणों से मार्केट के लिए गुड सिग्नल नहीं है। और वैसे भी मार्केट के जो पंडित है ना वो ये कहते हैं कि जब मार्केट बहुत चढ़ता हुआ हो तो छोटे इन्वेस्टर को घुसना भी नहीं चाहिए, तो आप जैसे लोगों को वहां घुसना नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो मई तक इंतजार करिए, फिर आप रोने के लिए राजीव दीक्षित को बुला लेना कि राजीव भाई आपको बोल के गए थे हमने नहीं माना अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सांत्वना देने आ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो बड़ी बड़ी हाँ 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 धमकियाँ तो बहुत आई हैं, केस वो नहीं कर पाए, धमकियां तो बहुत आई अभी भी आती है, सबसे ज्यादा धमकी पेप्सी कोका कोला से आती है, क्योंकि ये अभियान हमने शुरू किया उसमें सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो पेप्सी कोका कोला को पड़ी, क्योंकि जगह जगह हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराए उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में आई पेप्सी के खिलाफ है। और आज पूरे देश में ये स्थिति है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पता नहीं बोला क्या, 1998 में पेप्सी और कोका कोला की एक साल में 700 करोड़ बोतलें बिकती थी, आज 50 करोड़ भी नहीं बिकती एक साल। और आप उनके किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए हिंदुस्तान में उत्तर दक्षिण को, सब फैक्ट्रियां बंद है जैसी हैं। वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कहते हैं कि हम सवेरे से शाम तक क्रेट धोते धोते परेशान होते थे, अब हमारी 10 क्रेट भी कोई लेके नहीं जाता। मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में मेरे जैसे लोगों ने, या रामदेव जी जैसे लोगों ने, या सुनीता नारायण जैसे वैज्ञानिकों ने, या ऐसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मिलकर पेप्सी कोक का तो बाजा बजा ही दिया है, क्योंकि बिक्री इतनी कम हुई, बाकी में आप देख लो बहुत सेल कम हुई है पिछले 10 साल, और इसके बदले में जो सेल बढ़ी है वो फ्रेश जूस की सेल बहुत बढ़ी, गन्ने का रस, शिरडी का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस, छोटी छोटी जगह, और चूंकि रस की डिमांड बढ़ी है तो उसकी सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है तो रस की कीमत भी गिरी है, पहले 10 रुपए गिलास था, अभी 5 रुपए 6 रुपए गिलास मिल जाता, ये भी हुआ, तो ये खुशी की बात है। और इसका सारा पैसा खेतों को जा रहा है, इसका मुझे आनंद है। ऐसे ही कॉलगेट की सेल 23% डाउन हुई है पिछले 10 साल, और कॉलगेट वाले इतने परेशान हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारी जब मीटिंग होती है तो एक ही विषय होता है, हाउ टू हैंडल राजीव दीक्षित। हाँ, उनकी चेयरमैन की जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसका विषय ये है, हाउ टू हैंडल राजीव, तो वो मुझे हैंडल करना चाहते हैं, हाँ, वो ऑफर करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे आप खरीद नहीं सकते क्योंकि मेरी कीमत नहीं है, और वैसे मेरी कोई कीमत नहीं है साधारण आदमी, तो उनसे हर बार ऐसे ही कह के बात खत्म होती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि तुमको मेरी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा पिंच करती है, तो वो कहते हैं जब आप अमेरिका वाला हमारा फोन खोलते हो यही हमारे लिए खतरा, अमेरिकन कॉलगेट का मैं जो नाम लेके कहता हूँ ना, अमेरिकन कॉलगेट पे वार्निंग प्रिंट है, ये इतना बड़ा खतरा है उनके लिए, वो कहते हैं कि अगर लोग इसको गंभीरता से सुन लेंगे तो हमारी ताकत नहीं कि हम कॉलगेट बेच पाए इस देश में किसी मदद से, तो उनकी सेल कम हुई है। हिंदुस्तान लीवर वाले मुझे बोलते हैं कि आपने 10 साल में हमारे 26 प्रोडक्ट मार्केट से आउट करा दिए, बोल बोल कर
उनके कई प्रोडक्ट हैं जो उन्होंने विड्रॉ कर लिए मार्केट से, क्योंकि अब बिक नहीं हुई। अभी उनको ये हालत हो गई है। हिंदुस्तान लीवर ने एक दिन मुझे कहा कि हमारी सेल 98 में टोटल 14,000 करोड़ की थी साल की, अब वो कहते हैं कि 10 साल में हमारी सेल 9,800 करोड़ की है। कितनी कमी है, जबकि उनके पास एडवर्टीजमेंट के लिए हर एक कोई है। ऐश्वर्य रॉय भी है जो उनके लक्ष्य का जाहिरात करती है, सुष्मिता सेन भी है, माधुरी दीक्षित भी है, सब है उनके पास, फिर भी उनकी सेल वो बढ़ाने का, तो वो कह रहे हैं हमें विड्रॉ करना पड़ा, तो उनकी सेल में कमी है। कई मल्टीनेशनल है जो दवा बेचने के लिए आए थे वो भाग के चले गए। तो ऐसे 10 साल में कुछ रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि कई घरों में लोगों ने कहा है कि हमने आपके सभा में संकल्प लिया था वो आज तक हम पालन करते हैं, पेप्सी नहीं पीते, कोक नहीं पीते। तो इस तरह का कुछ असर तो हुआ है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है उसके लिए ये असर बहुत ही है। आप जैसे बोलते हैं कि भाई बाहर की कंपनियां जो बना रही हैं, जो भी कर रही हैं, जिस तरीके से बाहर के प्रोडक्ट्स बंद करते हैं, काफी चीजें हैं जिसमें केमिकल्स लगेंगे, काफी चीजें हैं, लेकिन आप सब हजारों प्रोडक्ट ऐसे निकलेंगे जिसमें केमिकल्स, आप कपड़े तक को ले लो तो कपड़ों को डाई करने में केमिकल लगेंगे जो वापिस मैक्सिमम बनता है। तो अगेन इंडियन कंपनी भी उसको बनाएगी, और इंडिया में भी अगर सीधी बात कहूँ तो रिलायंस जैसे बैठे हैं जो और किसी को बनाने देंगे, जो रिलायंस फ्रेश में उन्होंने किसानों का जो हाल किया है, तो उसका क्या हाल है? उसका एक ही हल है, मेरा ये मानना है कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए मैंने एक योजना बना रखी है, ब्लू प्रिंट है पूरा। मेरा ये है कि जो कंपनी यहाँ आई, आते समय उसने जितना पैसा भारत में लगाया, जिसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, उसका मेरे पास पूरा हिसाब है। पेप्सी कोला का इनिशियल पेड अप कैपिटल क्या है, कोका कोला का क्या है, कॉलगेट का क्या है, हिंदुस्तान लीवर का। तो जितना उन्होंने बाहर से पैसा लाकर भारत में लगाया, ये पैसा हम उनको वापस देंगे, और उसकी जो ओनरशिप है वो हम उनके हाथ से ले लेंगे। कंपनी बंद नहीं होगी, कारखाना बंद नहीं होगा, ओनरशिप चेंज होगी, और वो ओनरशिप फिर किसको देंगे? तो रिलायंस को नहीं देने वाले। उसके लिए दूसरा ब्लू प्रिंट मैंने बनाया कि उसकी ओनरशिप को पहले हम कहेंगे कि जो वहां काम कर रहे हैं वो ही ले ले। जिसे कहूंगा कि इससे वो प्रकाश जाने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास में है जो स्पोर्ट है, और ये अगला 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आपको हिलाएगा जरूर कि ये इंडिया ऑन लीज, हम कैसे लीज पे हैं, हमारी आजादी क्या है, एक संक्षिप्त में वो उस पर प्रकाश डाले। ये कैमरा बंद कर दिया। अमन कमीशन है हमारे देश की, क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 आया तो एक समझौता हुआ पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में, वो समझौते का नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, नाम ही है उसका ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट के नीचे 1500 छोटे छोटे समझौते हुए, शर्तें हैं। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे। तो ये आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई है, हमने ली नहीं है, क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्ला का, हत्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का, ये लोग थे, लोकमान्य तिलक का। ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़ कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे, मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है, जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं, ये है समझौता, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में, कुछ हिस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है, लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स, 99 साल की लीज पर है आपका देश।
99 साल जिस दिन पूरे हो जाए अंग्रेजों की औकात है कि वो आपसे वापस ले सकते हैं। और चूंकि ये लीज का सारा खेल है, इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए वैसे के वैसे ही नहीं। सारे कानून इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का, सीआरपीसी अंग्रेजों का, सीपीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, सब कुछ उनका बनाया हुआ है। और आज तक उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इसको बदला नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इंग्लैंड की महारानी कभी भी हिंदुस्तान आए तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है, क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी है। इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता है, यूरोप में बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन उठा के भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए। अब मैं एक घटना सुनाता हूं। इंद्र कुमार गुजराल इस देश में प्राइम मिनिस्टर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण साल आया था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण साल आया था। उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहती हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली। उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था, और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको, क्योंकि यही वो है जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था। इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें से सैकड़ों मारे गए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने तका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोक सकता, वो आएगी तो स्वागत ही करना है उसका। वो आई, पूरी भारत सरकार उसके स्वागत में लगी। वो रानी गई, अमृतसर गई, और जखे हुए माने जख्म हमारे जो उसने कुरेदे वहां जाते, और उसने अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ। जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो कई बार प्रजा के ऊपर दंड देना पड़ जाता है, तो हमने कहा बात खत्म हो गई, अब आप हमेशा उसको याद करते रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये उसका अमृतसर के पत्रकारों को दिया हुआ बयान था, ये छपा अखबारों में। हम लोगों को इतना गुस्सा आया, हमने कहा कि ये इंद्र कुमार गुजराल का मुंह काला करेंगे, तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए, वरना हम मुंह काला करने के लिए ही जा रहे थे उसके दिल्ली में, कि ऐसा हरामखोर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज्जत और सम्मान को दांव पे लगा के बैठा। अब इंद्र कुमार गुजराल रिटायर है, अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून से हम बने हुए हैं, वो कानून वही है, इंडिया इज ऑन लीव। तो मैं कहता हूं खुल के कहो इसको देश में, तो कहते हैं नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बगावत हो जाएगी। तो हो जाने दो बगावत, 1857 में हुई थी, और एक बार बगावत हो जाएगी, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, ये अधकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे। तो उनका इतनी हिम्मत किसने है आज, ये है। अब हमारे यहां इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो तो हमेशा वो लंदन के फैसले को ही आधार बना के जजमेंट देता है। मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं है, तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहां का कोर्ट क्या कहता है, उसको बेस करके यहाँ जजमेंट दिए जाते हैं। और इसी कारण कोई भी कोर्ट जजमेंट अंग्रेजी में ही देता है, भले वो गुजरात में चले या केरल में चले। ये नेताओं से पूछने की जरूरत है। 15 अगस्त मनाते हैं हर साल, तिरंगा झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बच्चों को कहा जाता है लड्डू खाने को आ जाओ, वो लड्डू ही है बाकी कुछ नहीं, वो आजादी वाजादी तो सब कहीं रखी हुई है, क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए इस देश में
कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ समझौता कर दिया उसको जला के नहीं फेंक पाए 60 साल में, और क्या करेंगे। वो समझौते की कॉपी यहाँ कुछ है, कुछ लंदन में पड़ी हुई। वो कर देंगे क्लेम किसी दिन, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है। यहाँ जो जो कुछ ब्रिटिश चाहते हैं वही तो हो रहा है इस देश में। तो अगर मान लो वो ये तय कर लें आज, क्योंकि उनकी व्हाट यू आर सेइंग कि ब्रिटिश जो जा रहे हैं वो हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स वैल्यू सिस्टम ऑल दैट। पॉलिटिकल उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। 1947 में भी भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना थी, इसलिए छोड़ा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी पिटाई हो चुकी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। हांगकांग का 99 का लीज था वो तो उनको देना पड़ता। हाँ, तो हमारा भी 99 साल पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा, तब तक तो ये पर्दा ही पड़ा हुआ। हिंदुस्तान के नेता बात नहीं करना चाहते इस विषय। हांगकांग का जो बहस डिबेट हुआ था वो 10 साल पहले से चालू है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, चाइना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस रहेगा। सो ऑल दैट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग 10 years बैक बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर। सो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग इशू व्हाट यू से। 1943 में हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया ये सब कि भारत आजाद होगा तो किन कंडीशंस पे होगा, क्या रहेगा भारत में क्या नहीं रहेगा। बहुत बड़ा इशू है, और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता हूँ। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहाँ रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है? किया था ना, आस्था चैनल से। थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए। आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग प्राणायाम धर्म ध्यान समाधि धारणा ये। तो सोमवार से मंगलवार में पहुंच चुके हैं। राजीव जी का कल बलसर कॉलेज धर्मपुर कॉलेज में दो प्रोग्राम है। मुझे कादर खान वाली बीमारी है, रात को दिखता नहीं, इनको बलसर सेफ ले जाना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। जोरदार तालियों में दूसरी बार वापसी में आप बुलाएंगे। कॉमन कमीशन है हमारे देश की, क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 आया तो एक समझौता हुआ पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में, वो समझौते का नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, नाम ही है उसका ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट के नीचे 1500 छोटे छोटे समझौते हुए, शर्तें हैं। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे। तो ये आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई है, हमने ली नहीं है, क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्ला का, तात्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का, ये लोग थे, लोकमान्य तिलक का। ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़ कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे। मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं, ये है समझौता जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में। कुछ हिस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 years, 99 साल की लीज पर है आपका देश।
99 साल जिस दिन पूरे हो जाए अंग्रेजों की औकात है कि वो आपसे वापस ले सकते हैं। और चूंकि ये लीज का सारा खेल है इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए वैसे के वैसे ही है सारे कानून। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का, सीआरपीसी अंग्रेजों का, सीपीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, सब कुछ उनका बनाया हुआ है और आज तक उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इसको बदला नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इंग्लैंड की महारानी कभी भी हिंदुस्तान आए तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी है। इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता यूरोप में, बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन उठा के भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए। अब मैं एक घटना सुनाता हूं। इंद्र कुमार गुजराल इस देश में प्राइम मिनिस्टर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण साल आया था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हो 1919 में हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण साल आया था। उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहती हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली। उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको, क्योंकि यही वो है जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था। इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें से सैकड़ों मारे गए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने तका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोक सकता, वो आएगी तो स्वागत ही करना है उसका। वो आई, पूरी भारत सरकार उसके स्वागत में लगी, वो रानी गई अमृतसर गई और जखे हुए माने जख्म हमारे जो उसने कुरेदे वहां जाते और उसने अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ। जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो कई बार प्रजा के ऊपर दंड देना पड़ जाता है, तो हमने कहा बात खत्म हो गई, अब आप हमेशा उसको याद करते रहे ये आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं है। ये उसका अमृतसर के पत्रकारों को दिया हुआ बयान था, ये छपा अखबारों में। हम लोगों को इतना गुस्सा आया हमने कहा कि ये इंद्र कुमार गुजराल का मुंह काला करेंगे, तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए, वरना हम मुंह काला करने के लिए ही जा रहे थे उसके दिल्ली में कि ऐसा हरामखोर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज्जत और सम्मान को दांव पे लगा के बैठा। अब इंद्र कुमार गुजराल रिटायर है, अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून से हम बने हुए हैं, वो कानून वही है, इंडिया इज ऑन लीव। तो मैं कहता हूं खुल के कहो इसको देश में, तो कहते हैं नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बगावत हो जाएगी, तो हो जाने दो बगावत। 1857 में हुई थी और एक बार बगावत हो जाएगी, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, ये अधकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे। तो उनका इतनी हिम्मत किसमें है आज, ये है। अब हमारे यहां इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो तो हमेशा वो लंदन के फैसले को ही आधार बना के जजमेंट देता है। मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं है तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहां का कोर्ट क्या कहता है उसको बेस करके यहाँ जजमेंट दिए जाते हैं। और इसी कारण कोई भी कोर्ट जजमेंट अंग्रेजी में ही देता है, भले वो गुजरात में चले या केरल में चले। इसका मतलब तो ये हो गया कि अमेरिका से भी हम बड़े ब्रिटिश चला रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं। ये नेताओं से पूछने की जरूरत है। 15 अगस्त मनाते हैं हर साल, तिरंगा झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बच्चों को कहा जाता है लड्डू खाने को आ जाओ, वो लड्डू ही है बाकी कुछ नहीं, वो आजादी वाजादी तो सब कहीं रखी हुई है। क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए इस देश में
कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ समझौता कर दिया उसको जला के नहीं फेंक पाए 60 साल में, और क्या करेंगे। वो समझौते की कॉपी यहाँ कुछ है, कुछ लंदन में पड़ी हुई। वो कर देंगे क्लेम किसी दिन, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है। यहाँ जो जो कुछ ब्रिटिश चाहते हैं वही तो हो रहा है इस देश में। तो अगर मान लो वो ये तय कर लें आज, क्योंकि उनकी व्हाट यू आर सेइंग कि ब्रिटिश जो जा रहे हैं वो हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स वैल्यू सिस्टम ऑल दैट, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल। पॉलिटिकल उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। 1947 में भी भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना थी, इसलिए छोड़ा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी पिटाई हो चुकी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। हांगकांग का 99 यूएस का लीज था तो वो तो उनको देना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा भी 99 साल पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा, तब तक तो ये पर्दा ही पड़ा हुआ। हिंदुस्तान के नेता बात नहीं करना चाहते इस विषय। हांगकांग का जो बहस डिबेट हुआ था वो 10 साल पहले से चालू है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, चाइना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस रहेगा। सो ऑल दैट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग 10 इयर्स बैक बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर। सो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग इशू व्हाट यू से। 1943 में हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया ये सब कि भारत आजाद होगा तो किन कंडीशंस पर होगा, क्या रहेगा भारत में क्या नहीं रहेगा। इस पर योर रिवीलेशन इंडिया इज ऑन लीज एंड इफ इंडिया इज ऑन लीज इट्स अ बिग इशू, बहुत बड़ा इशू है। और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता हूँ। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहाँ रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है? किया था ना आस्था चैनल से, थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई, उन्होंने कहा राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए। आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग प्राणायाम धर्म ध्यान समाधि धारणा ये। दोस्तों सोमवार से मंगलवार में हम पहुंच चुके हैं, राजीव जी का कल बलथर कॉलेज धर्मपुर कॉलेज में दो प्रोग्राम है। मुझे कादर खान वाली बीमारी है, रात को दिखता नहीं, इनको बलथर स्टेज ले जाना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। जोरदार तालियों में दूसरी बार वापसी में आप बुलाएंगे। मेरा आदर मंदिर।